गुड मॉर्निंग गाइस, आज हम रिवाइज करेंगे सैलरी हेड। सैलरी के एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। कल हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसके 2 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है पीजी पीपी, जो हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। हाँ, सैलरी सैलरी हेड के अंदर जो सेक्शन हमें पढ़ने रहेंगे, मेजरली वी हैव टू स्टडी 3 सेक्शन मेजरली। एक है सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, और सेक्शन 10 भी साथ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होती है वो सेक्शन 10 में गिवन होती है। गुरु भैया, चार्जिंग के लिए कुछ दे दो ना यार, मेरे को यहां दिक्कत आएगी। फिर सेक्शन 15, सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन, कैसे पॉसिबल हो सकता है यहां पर? सेक्शन 15 ये बोलता है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर। नहीं हो पाएगा चार्जिंग के लिए कुछ, ठीक है? तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव्ड बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ये बात याद रखना। अगर ड्यू हो गई, मिली नहीं है, तो भी क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। पर कभी कभी क्या होता है, आपको एडवांस सैलरी मिल जाती है, मतलब इस साल आपको 12 महीने की सैलरी तो मिली मिली, 2 महीने का एडवांस मिल गया, तो इस साल 14 महीने की सैलरी पे आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अब भैया सैलरी निकालते कैसे हैं? तो सैलरी निकालने के लिए दोस्तों वी हैव सेक्शन 16। सेक्शन 16 ने बोला कि ये सब चीजें सैलरी का क्या बनेगी? पार्ट। तो एक है बेसिक सैलरी ना, दैट इज बेसिक सैलरी। उसके बाद कुछ अलावेंसेस भी मिलते हैं, बेसिक सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो अदर बेनिफिट्स भी सैलरी में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। वो अदर बेनिफिट्स में क्या क्या आ सकते हैं? अलावेंसेस आ सकते हैं। अलावेंसेस के बाद क्या आ सकती है? पेंशन, देन यू हैव पीएफ, यू हैव ग्रेच्युटी, यू हैव लीव एनकैशमेंट्स, परक्यूसिट्स है ना, कार वगैरह मिल सकता है, घर वगैरह रहने के लिए मिल सकता है परक्यूसिट। आपको एडवांस में सैलरी मिल सकती है, वो भी किसका ऐड पार्ट होगी? सैलरी का ही पार्ट होगी। और अदर बेनिफिट्स, बोनस, कमीशन, जो भी कुछ मिला एम्प्लॉयर से, एनीथिंग यू रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स, दोस्तों वो सैलरी का क्या रहेगा? पार्ट। अब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें होती है, पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी। यहां से क्या आता है, एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, इवन लीव एनकैशमेंट ठीक ठाक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आ सकता है यहां से एक क्वेश्चन, ठीक है? अलावेंसेस से क्या कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कहां से आ जाएगा? अलावेंसेस से। एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट से। इस बार रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं आए थे, तो हो सकता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आपको आ जाए। अब अपन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? देखो, बेसिक सैलरी मतलब किसी की सैलरी, जैसे 5,000 पर मंथ, 25,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ, वो तो हमेशा क्या होती है? टैक्सेबल होती ही होती है। उसके अलावा कुछ अलावेंसेस मिलते हैं दोस्तों, वो भी क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंसेस है ना, कुछ अलावेंसेस। देखो, अब अलावेंसेस टैक्स होंगे या नहीं होंगे वो डिपेंड करेगा। अलावेंसेस 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं फुल्ली एग्जम्प्ट अलावेंस, मतलब ये अगर दिखे तो सैलरी में ऐड करने की जरूरत नहीं है। एक होता है पार्टली एग्जम्प्ट अलावेंस। पार्टली एग्जम्प्ट अलावेंस का मतलब ये होता है कि कुछ पोर्शन क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है, एंड कुछ पोर्शन क्या होता है? टैक्सेबल होता है। और एक होता है आपका फुली टैक्सेबल, कुछ अलावेंस तो होते हैं फुली टैक्सेबल होते हैं। तो भैया फुली टैक्सेबल क्या होते हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं होती। फुली एग्जाम की लिमिट है, पार्टली एग्जाम की क्या है? लिमिट है। अगर जो इन दोनों में आपको नहीं दिखे तो मान लेना वो फुली की फुली क्या है? टैक्सेबल है। सबसे पहले अपन अब एग्जाम में क्वेश्चन किस पे करे फोकस करेगा? वो फोकस करेगा आपका पार्टली एग्जाम पे, क्योंकि यहां कैलकुलेशन करवाएगा कि इतना मिला तो कितना एग्जाम्ड है। तो अगर अपन बात करते हैं फुल्ली एग्जाम्ड अलावेंसेस की, तो उसकी लिस्ट मैंने आपको दी थी शायद ना, फुल्ली एग्जाम्ड अलावेंस। तो फुल्ली एग्जाम्ड के अंदर एक तो आएगा हेल्पर अलावेंस। हेल्पर अलावेंस पूरा की पूरा क्या होता है? एग्जाम्ड होता है। दूसरा कन्वेंस अलावेंस। कन्वेंस अलावेंस भी पूरा की पूरा एग्जाम्ड होता है। ट्रैवलिंग अलावेंस पीडीएफ में है वैसे, तो अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, ये देखो एचआरयू सीबीडीटी, हाउ आर यू सीबीडीटी के अंदर है। तो एच से क्या था आपका? हेल्पर अलावेंस। फिर आर से क्या था आपका? रिसर्च एंड एकेडमिक अलावेंस। यू से क्या था आपका? यूनिफॉर्म अलावेंस। यू से था आपका यूनिफॉर्म अलावेंस। सी से था आपका कन्वेंस अलावेंस।
फिर टी से था ट्रैवलिंग अलाउंस, टी से था ट्रैवलिंग अलाउंस, और डी से कुछ भी नहीं था, डी से जो था दोस्तों वो था डेली अलाउंस। और बाप रे, और कौन था ये डेली अलाउंस बेटा? आएगा एग्जाम में चिका, उसमें आएगा डेली अलाउंस। दोस्तों ये अलाउंसेस जो होते हैं टोटली क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं, लेकिन एक शर्त है दोस्त, एक शर्त है क्या कि अलाउंस क्या कर दो, खर्च कर दो, खर्च कर दो के तो ही क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट रहेंगे, नहीं तो ये एग्जम्प्ट नहीं रहेंगे। जितना बचा लिया उतना क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एयर होस्टेस को यूनिफॉर्म अलाउंस दिया, भैया यूनिफॉर्म पेन, और उसने क्या करा, यूनिफॉर्म सस्ती खरीद ली, जितना बचा लिया दोस्तों उसकी सैलरी में क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। ये सारे अलाउंसेस टैक्सेबल। इसको आवाज कम करता नहीं तो कोई ना कोई परेशान कर देगा। ठीक है, फिर अब आते हैं पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंसेस के अंदर। अच्छा, वैसे तो सैलरी के अंदर हमें पढ़ना रहता है 15, 16, 17, लेकिन जो ये एग्जम्पशन वाला पार्ट रहता है ना, ये बड़ा रहता है, तो ये सेक्शन 10 में रहता है। क्या होता है कि बिजनेस वालों को तो खर्चे माइनस करने के लिए मिल जाते हैं, तो वो लोग अपना प्रॉफिट मतलब कम कर देते हैं। अब बेचारे सैलरी वाले कैसे कम करेंगे, कोई खर्चा माइनस नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम एग्जम्पशन आप देखोगे तो कहां मिल रही है, सैलरी वालों को मिल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद था पार्टली एग्जम्प्ट अलाउंस विदाउट एनी कंडीशन। मतलब ये विदाउट एनी कंडीशन क्या होगा, पार्टली एग्जम्प्ट होगा, मतलब होगा, खर्च हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहला था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, कितना एग्जम्प्ट होता है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम कितने चाइल्ड, दो चाइल्ड, है ना, 100 पर मंथ और चाइल्ड, दो चाइल्ड तक एग्जम्प्ट होता है। हॉस्टल अलाउंस कितना एग्जम्प्ट होता है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम दो चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ तक क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, 800 पर मंथ। जैसे मान लो 1000 पर मंथ मिला, कितना मिला, 1000 पर मंथ मिला, तो कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा, 800 पर मंथ तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 600 ही मिला तो याद रखना कितना एग्जम्प्ट होगा, 600 पर मंथ पूरा क्या, पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद था ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस जो होता है वो 200 पर मंथ एग्जम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, कन्वेंस अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वेंस और ट्रैवलिंग लिखा हुआ मिले तो वो पूरा की पूरा एग्जम्प्ट है, अगर खर्च हो जाए तो। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो पार्टली एग्जम्प्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड, डेप और हैंडीकैप लोगों के लिए, इनके लिए ही होता है। कितना, 3200 पर मंथ तक क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पिछले टाइम में भी आया था, देखो कैसा क्वेश्चन आया था अपन वो देख लेते हैं, हाथों तो हाथी देख लो ना। ये देखो भैया, यहां पर उन्होंने पूछा था, मिस्टर वाई इज विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, तो मतलब ब्लाइंड है, ठीक है, थैंक यू, है ना। ही इज एम्प्लॉयड इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिंस, इतना कब से कर रखा है, 1/6/2019 से। अब बच्चे यहां कंफ्यूज जाते हैं, पहली बात तो देखो इसमें मेरी कोई गलती, अभी डेट है ना 19, तो मतलब ये 19 में आ गया था, अपने लिए देखो 2021 इज दी मतलब ही वाज पेड 30,000 फॉर दी फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2021। तो 2021 में कितना पे किया गया था, 30,000 पे किया गया था। तो भैया 30,000 इंटू कितना करेंगे, 12, फॉर दी फाइनेंशियल ईयर, सॉरी, तो फाइनेंशियल ईयर तो 30,000 ही, मतलब 30,000 आपका आंसर रहेगा। इसमें से कितना एग्जम्प्ट कर देंगे, 3200 पर मंथ, तो 3200 इंटू कितना करेंगे, 12, तो मतलब कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा, 30,000 पूरा की पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब वो जो भी आएगा ज्यादा ही आएगा ना, 30 से ज्यादा ही आने वाला है भैया, 30 से ज्यादा आएगा, तो आंसर क्या रहेगा आपका, 30,000। अब मुझे बताओ क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, पढ़कर जाओ याद रहेगा ना, तो इजिली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चंस आर वेरी इजी फॉर द इनकम टैक्स, बट ये होता है कि स्टूडेंट्स को याद नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो टेंशन रहता है। हाँ यार, वो इशू रहता है। मैं इसलिए बोला कि अपने को हार्ड वर्क नहीं करना है यहाँ पर, स्मार्ट वर्क। तो जीएसटी जो है वो अपन को बहुत स्कोरिंग होता है, इनकम टैक्स में जितना बोनस कवर कर पाए उतना अच्छा है, क्योंकि अभी पढ़ा अभी के अभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन एकदम से वहां पर क्लिक नहीं होता। फिर इसके बाद दोस्तों हाउस रेंट अलाउंस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये पूछता है वो या फिर ये। अच्छा, ये वाला ट्रांसपोर्ट अलाउंस याद रखना, सिर्फ किसके लिए, हैंडकैप, इन्हीं के लिए, और वो ट्रैवलिंग और कन्वेंस सबके लिए, कोई भी हो एग्जम्प्टी है। हाउस रेंट अलाउंस, है ना, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, तो दोस्तों तीन चीजें हैं, तीनों में से जो भी कम होगा वो क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, तीनों में से जो भी कम होगा। तो एक तो क्या है, 40% या 50% ऑफ सैलरी,
40% या 50% ऑफ सैलरी, या फिर जितना मिला उतना एचआर एक्चुअली रिसीव्ड, या फिर जितना किराया पे किया उसमें से कितना माइनस कर दो 10% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो भी कम आएगा वो क्या रहेगा एग्जम्प्ट। एचआर का जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना मालूम है, जितना मिला उतना लिख के रख लो, यहां लिख के रख लो आप एचआर रिसीव लिख के रहो, उसमें से क्या करो लेस कर दो, क्या करो लेस के अंदर एक तो 40% या 50% ऑफ सैलरी, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, या फिर आप कर दीजिए एचआर एक्चुअली रिसीव्ड। जब बात करोगे 40 या 50% की, तो अगर आप मेट्रो में रह रहे हो तो कितना करना 50% ऑफ सैलरी, मेट्रो में चार ही जगह आएगी वो अपना मुंबई दिल्ली चेन्नई और कोलकाता, नहीं बेंगलोर नहीं है, बेंगलोर पुणे हैदराबाद नहीं है, सिर्फ चार जगह, चार जगह के लिए कितना करना 50% ऑफ सैलरी और बाकी जगह के लिए सिर्फ 40%। अब सैलरी का मतलब क्या होता है, एचआरए के लिए सैलरी का मतलब अलग है। देखो मेन सैलरी का मतलब तो ये है, मेन सैलरी का मतलब ये है, लेकिन एचआरए के लिए जो सैलरी लिखी जाएगी उसका मतलब ये है बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डियरनेस अलाउंस, मतलब कोई सा अलाउंस ऐड नहीं करना है, सिर्फ कौन सा अलाउंस ऐड करना है डियरनेस अलाउंस, और डियरनेस अलाउंस के आगे क्या लिखा होना चाहिए कंडीशनल लिखा होना चाहिए, तो ही बेसिक सैलरी कंडीशनल डियरनेस अलाउंस, या इसको बोलते थे अंडर दी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बोल देते हैं, ये भी लिखा हो सकता है, सीडीए भी लिखा हो सकता है, या फिर अंडर दी टर्म्स लिखा हो सकता है ऑफ दी एग्रीमेंट, वही वाला डीएनएस लेना है। प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, मतलब परसेंटेज फिक्स, आपको ऐसा बोला गया कि भाई साहब को क्या मिलता है कमीशन मिलता है 5%, वो भी किसका टर्नओवर का, पर मंथ इतना कमीशन मिलता है, प्रॉफिट का इतने परसेंट मिलता है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। 50% अपन को अभी करना होता है, 50% ऑफ सैलरी इफ रेसिडेंस इज इन मुंबई दिल्ली चेन्नई और कोलकाता, जो आएगा दोस्तों वो क्या रहेगा एग्जम्प्ट रहेगा, जो भी आएगा वो एग्जम्प्ट रहेगा तीनों में से कम। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, है ना, आया था, आप देख लो ये क्वेश्चन हर बार ही ऑलमोस्ट आता है। चतुर्वेदी इज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी दिल्ली, ही वाज पेड मंथली हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है उसको 15,000, तो आप लिख के रख लो भैया 15,000 इंटू कितना कर दिया अपन ने 12, ये अपन ने लिख के रख लिया, इतना अपन को मिल गया। अब इसमें से अपन एग्जाम्प्ट करेंगे, कितना एग्जाम्प्ट करेंगे, इसमें से एग्जाम्प्ट करेंगे ए, जितना मिला उतना 15,000 इंटू 12 पूरा की पूरा क्या कर देंगे एग्जाम्प्ट, या फिर सैलरी का कितना करना पड़ेगा 40 या 50%। तो ये कहां पे है दिल्ली में एम्प्लॉयड इन, अच्छा देखो हो सकता है कभी एम्प्लॉयड दिल्ली में हो रहता नोएडा में हो, है ना, वो ध्यान रखना। तो जहां रहता है वो इंपॉर्टेंट है, जहां जॉब करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ही वॉज पेड मंथली हाउस रेंट बेसिक सैलरी प्लस डीए एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, है ना, डीए लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब ये डीए अंडर दी टर्म्स है ना, ये अंडर दी टर्म्स है फॉर द ईयर एंडेड। तो ये कितना था 12 लाख था, तो बेटा ये कितना पे किया उसकी सैलरी थी 12 लाख, अब 12 लाख का कितना कर लो 12 लाख का 50%, है ना, 12 लाख का 50% 6 लाख आ गया, है ना, 6 लाख आ गया। और फिर अपन क्या करेंगे, एक तो ये 15,000 × 12 और एक तो कितना आ गया आपका 6 लाख, जो भी सैलरी है उसका 50% कर दिया अपन। सैलरी का मतलब क्या होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन, लेकिन यहां कमीशन की तो बात की नहीं थी। फिर आ गया इसने कितना रेंट पे किया है 20,000, तो बेटा 20,000 × 12 करेंगे, 20,000 × 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो 12 लाख का 10%, तो वो कितना हो जाएगा 1,20,000 आएगा, कितना 1,20,000, 1,20 आंसर आएगा इसका बच्चों, है ना, इसका 1,20 आंसर है। सी क्वेश्चन सर वेरी सिंपल, और हर अटेम्प्ट में यही आता है, बताओ, और इससे डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन अपन ने क्लास में कर रखे थे हमेशा, इतना ये वाला क्वेश्चन 49 आंख बंद करके भी कोई इंसान सॉल्व करेगा तो ये गलत नहीं करके आ सकता, बट फिर भी आते हैं अपन, चलो उस पर भी वो भी हो जाएगा। तो बेटा कौन कौन से चिल्ड्रन एजुकेशन हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन का एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपको, अंडरग्राउंड अलाउंस इतना है, ट्राइबल एरिया इतना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इतना है, हाउस रेंट अलाउंस इतना है। अच्छा फिर है अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को अलाउंस मिल रहा है तो फिर ये वाला पॉइंट अप्लाई होंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनी में जो काम करते हैं उन एम्प्लॉयज को, है ना, तो अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट कंपनी एम्प्लॉयज, तो उनको ये लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्ट होता है, कितना जितने भी अलाउंसेस मिले उसका 70% या फिर 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा दोस्तों वो क्या होगा एग्जम्प्ट होगा, कितना 70% ऑफ द अलाउंस, जितने भी अलाउंस मिले, या अब वो बोले रिलायंस में काम करते तो ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा,
हाँ, अगर वो बोलते हैं कि साहब हम ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं, कोई लॉजिस्टिक कंपनी हो उसमें काम करते हैं, तो उसके लिए एम्प्लॉय को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं उनका 70% या फिर 10,000 पर मंथ। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उनको डेली अलाउंस नहीं मिलते हो। डेली अलाउंस नहीं मिलते हो तो ये पॉइंट, अगर डेली अलाउंस मिलते तो पूरा पॉइंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्योंकि डेली अलाउंस अपने आप में ही क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं, जो अपन ने फुली एग्जम्पशन की लिस्ट में देखा था। हाउ आर यू सीबीडीटी के अंदर डी था, डेली अलाउंस था, तो अगर उनको वहां पूरा एग्जम्प्ट मिल ही चुका है तो फिर ये वाला बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी अलाउंसेस है ना, वो पूरे के पूरे क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। व्हाटएवर द अलाउंस यू विल रिसीव इज टैक्सेबल। तो फटाफट से एक बार रिपीट कर दो, फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस, फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस। हाउ आर यू सीबीडीटी, एस से क्या था, हेल्पर, आर से रिसर्च, यू से यूनिफॉर्म, और सी से कन्वेंस, डी से डेली, और टी से ट्रैवलिंग। ये पूरे के पूरे क्या होंगे, एग्जम्प्ट अगर खर्च हो गए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, अब यहां पर आपको मिला ऐसा लिखा हुआ कि आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो मिला है 270 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 3 चिल्ड्रन। तो कैसे सॉल्व करोगे, जितना मिला उतना लिख दो, 270 इंटू 12 इंटू कितना कर दो 3, इसमें से लेस कर दो 100 इंटू 12 इंटू 2 है ना एग्जाम। अब सुनना, ऐसा लिखा हुआ मिला सर 270 पर मंथ पर 270 पर मंथ फॉर 3 चिल्ड्रन। हाँ, अब सुनो ध्यान से, फॉर 3 चिल्ड्रन लिखा हुआ मिला, मतलब ये पर चाइल्ड नहीं है, तीनों का मिलाकर है। तो मैंने कहा था कि भैया हमेशा अपने को एग्जम्पशन किस में दिए, पर चाइल्ड में दिए, तो 270 डिवाइडेड बाय क्या कर देना, पहले 3 कर देना, तो कितना हो जाएगा 90 इंटू 12 इंटू 3 ये मिला। लेकिन एग्जम्पशन कितना होगा मालूम है, 100 नहीं, 100 तो मैक्सिमम हो जाएगा, 90 इंटू 12 इंटू 2, बस ये बात ध्यान रखिएगा, 2 याद रखें, इंटू 3 मत करना। अगर पर मंथ पर चाइल्ड दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दे रखा है तो उसको पर मंथ पर चाइल्ड में कन्वर्ट करना, क्योंकि एग्जम्पशन कैसे मिलती है, पर मंथ पर चाइल्ड में, और एग्जम्पशन की जो अमाउंट है वो मैक्सिमम है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट मिल रही है तो वो अमाउंट पूरी एग्जम्प्ट हो जाएगी, लेकिन उससे कम मिल रही तो जितनी मिली है वही क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। ठीक है, आई थिंक अलाउंसेस आर डन। क्लास में जब पढ़ते तो कम से कम 4-5 दिन इस पे लगते हैं। आप सोचो कि यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट फटाफट क्या होता है, खत्म होता है। अब आता है दोस्तों अपन पेंशन पे आ जाते हैं। मान लो किसी इंसान को पेंशन मिली है तो उसका क्या होगा, सर 3 चिल्ड्रन का टैक्सेबल होगा, समझा नहीं मैं। हाँ, टैक्सेबल ब्रेक जितना मिलेगा उतना टैक्सेबल है, जो एग्जम्पशन मिलेगी वो 2 की ही मिलेगी, एग्जम्पशन 2 की ही मिलेगी। ठीक है, पेंशन, पेंशन दोस्तों अगर किसी एम्प्लॉय को पेंशन मिलती तो क्या होगा, पेंशन 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले देखना अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। ठीक है, पेंशन आए तो जैसे ही पेंशन दिखे तो ये चार्ट आपके माइंड में बनना चाहिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अनकम्यूटेड या फिर कम्यूटेड। अनकम्यूटेड मतलब पर मंथ पेंशन 6,000 7,000 15,000 20,000 पर मंथ पेंशन मिल रही है, वो अनकम्यूटेड है, पूरी टैक्सेबल होती है, पूरी की पूरी टैक्सेबल होगी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और कम्यूटेड पेंशन है तो कम्यूटेड यानी आपने लमसम पेंशन ले ली है ना, जैसे ऑप्शन मिलता है आपको कि अरे काम करो कि आप रिटायर हो गए, 10 लाख रुपए की पेंशन है, मैं बोला कि मुझे पर मंथ देते रहना, अभी जरूरत नहीं है, एक बोलूंगा एक ये हो सकता है कि मुझे 10 लाख रुपए एक साथ दे दो, तो कम्यूट करवा ली मैंने। कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय करवाते तो दोस्तों पूरा की पूरा क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय करवाते हैं तो उस केस के अंदर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस के अंदर देखो कि भैया को ग्रेच्युटी मिलती है या फिर नहीं मिलती है ना, एक और एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। ग्रेच्युटी मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है तो जो भी पेंशन है, जो भी फुल पेंशन है उसका 1/3 क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो बेनिफिट ज्यादा दिया जाएगा, हाफ ऑफ द फुल पेंशन क्या होगा दोस्तों, एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके सामने। अब मैं आपको बोलूंगा, देखो फटाफट से एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। मिस्टर राकेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, रिसीव 10,000 पर मंथ इज अ पेंशन। भैया 10,000 पर मंथ पेंशन मिलती तो ये कम्यूटेड है, कम्यूट नहीं सॉरी अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड है तो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर राकेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कम्यूटेड 6 लाख पेंशन विच इज 60% ऑफ द फुल पेंशन। मतलब क्या किया, राकेश इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसमें 6 लाख की पेंशन कम्यूट करा ली विच इज 60% ऑफ द फुल पेंशन। अब भैया कम्यूटेड पेंशन है और यहाँ पे क्या लिख दिया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो भैया पूरा की पूरा कम्यूटेड पेंशन क्या होती है, एग्जम्प्ट हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, कुछ नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो पूरा की पूरा क्या है, एग्जम्प्ट है। हाँ, अब होगा,
क्या लिखा है, मिस्टर राकेश इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी कम्यूटेड पेंशन विच इज 60%, विच इज 60% ऑफ द फुल पेंशन। अब होता क्या है कि 6 लाख उसको क्या मिली है, पेंशन मिली और ये कम्यूटेड है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होता है, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, ग्रेच्युटी नहीं मिली ना इसको, डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, तो कितना एग्जम्प्ट होगा, 1/2, 1/2 किसका, जितनी पेंशन मिली उसका नहीं, 1/2 किसका, पूरी पेंशन का, पूरी पेंशन निकालना पड़ेगा ना। जब बोला ये 60% है तो इसका पूरा कैसे निकालेंगे, इंटू डिवाइड 60 × 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 लाख, 10 लाख का कितना करेंगे 1/2, तो 1/2 करोगे तो कितना आएगा, 5 लाख, तो 6 में से कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा, 5, 1 लाख क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, 1 लाख हो जाएगा टैक्सेबल। तो याद रखिएगा कि फुल पेंशन निकालनी पड़ेगी, फुल पेंशन निकाल, अच्छा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में टेंशन मत लेना, पूरा एग्जाम्प्ट होता तो कोई मतलब ही नहीं ना फुल पेंशन निकाल के। यहां पर हाँ, अगर लॉ मेकर्स ऐसा लिखते थे कि जितनी पेंशन मिलेगी उसका 1/2 या 1/3, तो अपन कुछ भी नहीं करते, 6 लाख का 1/2 1/3 करके खत्म कर देते। लेकिन यहां पर 70% लिखा तो डिवाइड बाय 70 × 100, 40 लिखा तो डिवाइड बाय 40 × 100 करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा उसका 1/2 और 1/3 करना। नहीं, ऐसा अजम्पशन तो कोई नहीं लेना पड़ेगा, कहीं पे भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वो ये था कि वो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि पर मंथ मिल रही है पेंशन और फिर उसने थोड़ी कम्यूट करवा ली, और फिर बाद में जो अनकम्यूटेड है वो मिलेगी ना, वो एक अलग क्वेश्चन है, वो जरूरी नहीं है कि अपन इस लेवल पर इस टाइम पर करें, है ना, वो क्लास में अपन कर सकते हैं लेकिन यहां नहीं करेंगे, वो जरूरत ही नहीं उसकी। एंड बेटा वो तब था मालूम है जब मैंने यहां पर मैंने ऐसा लिख रखा हो कि उसको पर मंथ इतनी मिल रही है, यहां नहीं लिखा ना पर मंथ मिल रही है, तो नहीं तो अपन क्या करते, उतने महीने तक पर मंथ इंटू 12 करते, सॉरी 8 करते, फिर कम्यूटेड वाला आ जाता, फिर रिमेनिंग जो था उसका कुछ परसेंटेज करके करते, वो यहां पर है ही नहीं ना ऐसा लिखा हुआ। 6 लाख का 10 ने कैसा है बेटा, सुन क्या बोला कि 6 लाख जो है ये कितना है, 60% है ना, 60% है, इसका मतलब इसका 100 निकालना है, फुल पेंशन ऐसे निकालते हैं। अब भैया ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी मिलती है तो दोस्तों उसका क्या करेंगे, एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो टैक्सेबल तो होती है, लेकिन ये चार्ट याद रखना है। देखो ग्रेचुटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ग्रेचुटी क्या होता है, लॉयल्टी बोनस होता है, लॉयल्टी एक तरीके से आपने लॉयल रहे हो, कंपनियां चेंज नहीं करी, लोगों को देखा होगा कि यहाँ शिफ्ट वहां शिफ्ट अपनी सैलरी बढ़ाते रहते, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज क्या रहते हैं, लॉयल रहते, तो कंपनी उनको क्या देती है, ग्रेचुटी देती है। अब ग्रेचुटी बोला ले भैया तू जॉब कर रहा है, तूने 5 साल मेरे यहाँ रुक गया, ले ग्रेचुटी ले ले, तो फिर ये ग्रेचुटी जो मिलेगी वो क्या होगी, पूरी की पूरी टैक्सेबल, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल। लेकिन जब ये जॉब छोड़कर जा रहा है या रिटायरमेंट के टाइम पे या रेजिग्नेशन के टाइम पर मिलती है, तो फिर हमें यहां पर देखना पड़ेगा किसको मिली है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिली। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तो क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है, और नॉन गवर्नमेंट को मिलती है तो देखना पड़ेगा क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड नहीं है। अगर वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड है तो 3 चीज आएगी, ये एग्जाम में क्वेश्चन एक ही आता है दादा, मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितनी एग्जाम्ट होती है, 10 लाख, 20 लाख, 12 लाख, 15 लाख। भैया 20 लाख आंख बंद करके टिक कर देना, नहीं करवाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, रेयरेस्ट ऑफ द केस में करवाएंगे, फिर भी नहीं मानते बच्चे, बोला कुछ भी मत पढ़ के जाओ, ये तो पढ़ के चले जाओ कि कम से कम बेसिक क्वेश्चन आ गया तो अपन सॉल्व कर सकते हैं। 20 लाख की क्या होती है, फॉर्मूले वार्मूले ठीक है आते होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्लास में सब पढ़ते, लेकिन अब एग्जाम के टाइम पे किसी ने नहीं पढ़ रखा है, तो मैं बोलूंगा भैया यही पढ़ के चले जा, आ जाएगा एक क्वेश्चन एग्जाम, अब देखना जब करोगे ना पेपर आएगा तो बोलना कि यही क्वेश्चन पूछा था उसने सर, वो भैया जो पेपर बनाता है ना उसको भी सॉल्व करना पड़ता है, तो वो भी सोचेगा कि भैया कौन सॉल्व करे, कौन सॉल्व करे, ठीक है 30 लाख लिख के ना काम खत्म। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट, एक्चुअल रिसिप्ट, अगर देखो पोगा से कवर्ड होगा तो कैसे एग्जम्प्ट होगा, एक्चुअल रिसिप्ट या फिर 20 लाख या फिर 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी। एलडीएस का मतलब क्या होता है, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस, इंटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस, कितने साल उसने काम किया, ठीक है। ये ना यहां सैलरी का मतलब मैंने गलत लिखा है, मतलब ये कि यहां पर ना ऐसा डीए ना डीए पूरा आता है, चाहे कंडीशनल हो चाहे कंडीशनल ना हो, है ना, मतलब डीए अपने एचआरए में क्या पढ़ा था कि डीए कौन सा लेता है जो कंडीशनल हो, यहां पर डीए कौन सा लेते हैं पूरा। तो देखो जो पोगा से कवर्ड होता है ना उसके लिए सैलरी का मतलब क्या होता है पता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, चाहे कंडीशनल चाहे अनकंडीशनल।
कोई परसेंटेज कमीशन ऑन टर्नओवर वगैरह यहाँ पर नहीं आएगा। तो भैया अगर नॉन गवर्नमेंट, ये नॉन गवर्नमेंट वाले बहुत परेशान करते, इनको ग्रेचुटी मिली, जैसे इनको किसी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ग्रेचुटी मिली से 17 लाख, तो क्या करोगे मालूम है, पहले लिख लो 17 लाख, फिर वो पोगा से कवर्ड है तो फिर इसमें से क्या करना, लेस करना, पोगा से कवर्ड है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना, कितने जितने मिले उतने, 17 लाख मतलब 17 लाख, या तो कितना 20 लाख। अब बचेगा क्या, अब ये 15 डेज लास्ट ड्रॉन सैलरी है ना, इंटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस, तो वहां लिखा होगा भैया उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो है, लास्ट ड्रॉन सैलरी, सैलरी में क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी प्लस लेंगे प्लस डियरनेस अलाउंस, चाहे कंडीशनल हो या कंडीशनल ना हो, आर वाई ओ एस का राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस बता रहा हूं बेटा ना, ये दोनों लेंगे। अब क्या करना है, ये तो अब ये पर मंथ का देके रखते हैं, जनरली तो हम सैलरी किसकी देके रखते हैं, पर मंथ की, लेकिन यहां पर क्या लिखा है, 15 दिन की लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 15 / 26 करना पड़ेगा। उल्टा बोल रही है, उल्टा बोल रही है ना, सोच तो सही रही है, ठीक है, ये मैंने लिख के भी दिया है यहां पर। क्या होता है, पोगा वाले बोलते रहे, वो लोग ना लायक, बोलते संडे वनडे जो जनरली, तो अपन मंथ में कितने दिन मानते, 30 दिन मानते, वो लोग ना लायक, वो क्या बोलते कि भैया 26 होते, संडे को हम काउंट नहीं करते, तो यार उनकी बात मानेंगे ना अपन। तो देखो 15 दिन की सैलरी निकालना, तो क्या करना मालूम है, इंटू 15 / 26 करना, इंटू 15 / 26 करना, फिर इंटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस। अब किसी ने काम किया मालूम है, किसी ने काम किया 20 साल 4 महीने, इसको राउंड ऑफ करके 20 साल कर देना, किसी ने काम किया 20 साल 5 महीने, तो कितना कर देना, 20 साल, 20 साल नहीं 20 साल ही करेंगे, सुनना, किसी ने काम किया है 20 साल 6 महीने, 20 साल, किसी ने काम किया 20 साल 6 महीने 1 दिवस, 21 साल, 1 दिन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और यहां पर है ना, ये ऐसा नहीं है 35.5 मार्क्स आ गए तो 36 कर देते हैं, ये मंथ है ना, मंथ, तो मंथ का आधा 6 में होता है ना, मंथ का आधा कहां पर होता है, मतलब 12 मंथ का आधा कहां होगा, 6 मंथ में, तो 20.6 इज हाफ एक्चुअली है ना, तो 20.6 पे भी हो तो भी क्या करना है, 20 करना है, और 20.6 और 1 डे लिखा है, 2 डे लिखा हो, तो फिर क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करना बोलते हैं, तो जितने साल काम किया उससे क्या करा, मल्टीप्लाई, तो उसकी जो सैलरी थी बेसिक सैलरी प्लस डीए दोनों को प्लस किया, इंटू 15 / 26 किया, और उसका मल्टीप्लाई किससे कर दिया, राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस से, जो आंसर आएगा इन तीनों में से जो भी कम होगा वो क्या होगा, एग्जाम। अब एग्जाम में आपसे वो सॉल्व करा ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवाएगा तो 20 लाख टिक करके आई हो। देखो एक और ट्रिक है, ध्यान से सुनना, वो ट्रिक ये, अगर नहीं दिमाग लगा सकते बनते ना, तो अब होगा क्या कि आपको सैलरी बहुत कम दिख रही है ना, सैलरी क्या दिख रही है, बहुत कम दिख रही है, तो उसको ना उसको हाफ कर दिया फट से अपन ने, इंटू 15 / 30 कर दिया, 26 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, इंटू हाफ कर, और इंटू क्या कर दिया, राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस, 20 लाख से कम ही दिखेगा वो, जहां तक देखना है ना, जहां तक दिखे वो 20 लाख से क्या दिखेगा, कम ही दिखेगा, आ रहा होगा 7 लाख आंसर आ रहा होगा, 7,55,000 आ रहा होगा, तो वही आपका आंसर रहेगा। हाँ, मतलब आधे को थे क्या, एक्चुअल रिसीप्ट देख लेना कि वो क्या है, 20 लाख। अब ये नीचे वाला देख लेना, सैलरी का मल्टीप्लाई करके कुछ भी कर लो, 20 लाख से ज्यादा नहीं होगा, कभी कभी तो टोटल सैलरी हाफ भी नहीं करो तो भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 से ज्यादा नहीं होगा, तो फिर क्यों दिमाग लगाओ हाफ ना हाफ, आप सीधा की सीधा आंसर टिक कर दो जो आपको छोटा दिख रहा है वो, ऐसा बाकी जिसको सॉल्व करना भैया वो सॉल्व करे, क्लास में ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ मैं, चलो जो रिविजन देख रहा है वो सोचे कि भैया सर ऐसा ही पढ़ा देते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब यहां पर देखो हम क्या इतनी माइनर बातें किसको याद रहती भाई, नहीं रहती कि तुम्हारे पास अलग अलग सब्जेक्ट है तो सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। अब लिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग प्रोग्राम में कवर्ड नहीं हो तो क्या होगा, एक्चुअल रिसीट 20 लाख दोनों जगह क्या है, सेम है, दोनों जगह सेम है। अब यहां लेना है 15 दिन की सैलरी तो लेनी है या एवरेज सैलरी लेनी है, क्या लेनी है, एवरेज सैलरी, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, एवरेज निकाल कर देंगे, जो देंगे वही एवरेज मान लेना आप, तो जो देंगे वही क्या रहेगा, एवरेज। अगर नहीं दिया तो एवरेज कैसे निकालते मालूम है, पिछले 10 महीने की सैलरी दी जाएगी उनको टोटल करना पड़ेगा, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 10। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 10 महीने की सैलरी आपको दे, वो आपको एवरेज सैलरी देगा या जो भी सैलरी देगा वो क्या रहेगी, एवरेज, इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस करते हैं। यहां पर क्या करते हैं, कंप्लीटेड ईयर ऑफ, CYOS का मतलब होता है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इसका मतलब उसने 20 साल काम किया तो 20 साल, 20 साल 4 महीने तो 20 साल, 20 साल 6 महीने तो 20 साल, 20 साल 9 महीने तो 20 साल, 20 साल 6 महीने 1 दिवस तो भी कितने साल, 20 साल। राउंड ऑफ कहां करते हैं, यहां पर करते हैं, यहां पे सैलरी का मतलब क्या रहेगा, वही बेसिक सैलरी प्लस कंडीशनल डीएनएस अलाउंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, जो एचआरए में था वही मतलब रहेगा सैलरी का यहां पर, और यहां पर क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डीए,
आई बात समझ में? अच्छा एक बात और याद रख लेना, कभी कभी वो ऐसा बोल देंगे कि भैया इसको ये दूसरी बार ग्रेजुएटी मिल रही है और पहली बार ही 6 लाख का बेनिफिट ले चुका था, तो होगा क्या मालूम है, जो 20 लाख की लिमिट है वो 6 लाख से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या ले चुका है बेनिफिट, तो 20 महीना 6 तो उसको मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा, इस बार 14 लाख ही मिलेगा। तो पहले किसी सालों में ग्रेचुटी का बेनिफिट लिखा है तो वो अमाउंट क्या कर देना, माइनस, बस हो गया। सो फटाफट से ग्रेचुटी का एक बखत हम ग्रेचुटी का फटाफट बोल दो, क्या करेंगे, ग्रेचुटी एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिलती है ना, अरे खत्म, क्या ये ग्रेचुटी खत्म हुआ है सुन तो क्या होगा, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती है सबके लिए टैक्सेबल, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए दोस्तों टैक्सेबल नहीं है, एग्जम्प्ट है, और नॉन गवर्नमेंट के लिए एग्जम्प्ट है, लेकिन थोड़ा नौटंकी है, देखो पोगा से कवर्ड है या नहीं है, पोगा से है तो जो भी मिला वो 20 रिसीव्ड या कि लास्ट जॉन सैलरी इंटू राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ पे 15 डेज की सैलरी निकालनी पड़ेगी तो इंटू 15 डिवाइड बाय क्या करेंगे 26, ठीक है, और सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए, और इधर भी 15 लाख 20 लाख और 15 दिवस की एवरेज सैलरी और इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, पूरा जो कंप्लीट हुआ बोलेंगे, जो इग्नोर फ्रैक्शन वाला पोर्शन है वो क्या करेंगे इग्नोर। हाँ यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे 15 दिन की सैलरी निकालनी है, 15 दिन की तो मंथ की देके रखेंगे वो आपको, तो इंटू 15 डिवाइड बाय कितना करना, 30 करना, यहाँ टोगा से कवर नहीं हो तो इंटू 30 करना। चलिए लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट का भैया पिछले टाइम में तो क्वेश्चन आया था कि मैक्सिमम लीव एनकैशमेंट कितना एग्जम्प्ट होता है, तो आंसर कितना होता है 3 लाख। कुछ नहीं करके जाओ तो ये करके जाओ, कुछ नहीं करके जाओ तो बस ये पढ़ के चले जाओ, पूछ ले, हाँ हो सकता है 20 में 20 लाख आ जाए या फिर 3 लाख वाला क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी हो सकता है। देखो जब थोड़ी बहुत हिंट रहती कि हाँ 3 लाख है, तो फिर क्या होगा, ये सारे फॉर्मुलेस का थोड़ा एक रफ आइडिया रहेगा कि इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ज्यादा समझ आएगा कि ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, आप थोड़ा सही सॉल्व करोगे। लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट जो होता है ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो पूरा के पूरा क्या होता है टैक्सेबल, रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पर मिलता है। लीव एनकैशमेंट क्या होता है, लीव एनकैशमेंट मतलब कुछ कुछ लोगों को छुट्टियां मिलती है, साल में 50 छुट्टियां मिलती है, 40 छुट्टियां मिलती है, वो बोलते हैं हम तो क्या करेंगे, हमारे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, कोरा कागज है, तो एक काम करते हैं उसी दिन भी काम कर लेते हैं, तो उस दिन के काम के भी उनको क्या मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि पैसे का भी क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दे दोगे तो आप, हमारे पास तो यूं भी बहुत और कोई है भी नहीं हमारी लाइफ में, तो ये पैसे हमें अभी मत दो, कब दे दो, बाद में जब हम रिटायर होंगे तब रेजिग्नेशन होगा तब दे देना। तो भैया ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी मांग लेते हैं, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी मांग लेते हैं तो वो क्या होता है टैक्सेबल होता है, वो तो टैक्सेबल, लेकिन बोलेंगे कि रख लो बाद में दे देना। सरकार बाद में क्यों बेनिफिट देती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि बेटा आपके बच्चों क्या भरोसा, आपके बुढ़ापे के टाइम पे जो पैसे मिलेंगे ज्यादा आपके काम आएंगे, तो बेटर है कि क्या कर दो इसको बाद में लो, है ना, अभी तो आप सब क्या कर दोगे खर्च कर दोगे उड़ा दोगे, तो बाद में सरकार को फिर वो ओल्ड एज होम बनाने पड़ेंगे, ये बनाना पड़ेगा, सरकार को पालना पड़ेगा, तो सरकार ने लॉलीपॉप दे दी तो लोग क्या करते हैं बाद में लेते हैं, तो रिटायरमेंट रेजिग्नेशन, लेकिन प्रॉब्लम किसको हो गई अपने को, अब किसको मिला, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है दोस्तों रिटायरमेंट टाइम पे, तो एग्जाम थे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओ मजा आएगा आपको, और फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम होता है, लेकिन ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला याद रखो यार, कितना जितना मिला उतना, या तो 3 लाख या तो 10 इंटू एवरेज सैलरी, मंथली सैलरी यानी जो भी मंथ की सैलरी उसका मल्टीप्लाई किससे कर दो 10 से कर दो, 10 महीने की सैलरी के बराबर जो अमाउंट है कि उतना अमाउंट एग्जम्प्ट है, या फिर बैलेंस लीव पीरियड इंटू एवरेज मंथली सैलरी, बैलेंस लीव पीरियड, यहां पर एक चीज और आती है बैलेंस लीव पीरियड इन मंथ, बैलेंस लीव पीरियड इन मंथ इंटू क्या आ जाएगा एवरेज मंथली सैलरी। अब ये बैलेंस लीव पीरियड कैसे निकालते हैं, बैलेंस लीव पीरियड कैसे निकालते हैं, तो देखो क्या होता है, पहले पता होना चाहिए कि उस इंसान को अपनी जॉब करते टाइम कितनी लीव्स मिली, उसने काम किया 20 साल 8 महीने, कितना काम किया 20 साल 8 महीने, तो भैया कंप्लीटेड ईयर्स लेना 20 लेना, ठीक है कंप्लीटेड ही लेना, यहां पर यहां सब मैंने लिख रखा है नीचे 20, और हर साल उसको 20 छुट्टियां मिली थी, तो टोटल मिला के कितनी मिली थी उसको 400, अब 400 में से इतना भी कोरा कागज नहीं होगा उसके जीवन, तो उसने 200 ले रखे, 150 ले ली होगी छुट्टी, 150 छुट्टी के एंजॉय कर लिए होंगे उसने, तो बचे कितनी 250, तो 250 उसने नहीं ली, उसको बोलते हैं बैलेंस लीव पीरियड, तो टोटल लीव पता कर दी जितनी छुट्टियां ले ली वो क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या निकल के आता है बैलेंस लीव पीरियड, ये दिवस में निकल कर आता है दिवस में, लेकिन यहां पर अपन को क्या करना चाहिए मंथली चाहिए, मंथ में चाहिए, फॉर्मूले में क्या होना चाहिए मंथ, तो डिवाइड बाय कितना करेंगे 30, वो पोगा वाले पागल थे जो 26 मानते हैं, बाकी सब तो कितने मानते हैं 30 ही मानते हैं, तो डिवाइड बाय 30 तो जो भी आएगा पॉइंट आएगा तो पॉइंट में लिखना, हाँ 8.33 आया तो 8.33 इंटू एवरेज मंथली सैलरी,
एंड बेटा सैलरी का मतलब यहां पर वही है जो एचआरए में था। तो ये करने के बाद जो अमाउंट आएगी तीनों में से जो चारों में से जो कम होगा दोस्तों वो क्या होगा एग्जाम। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जो भी एक्चुअल लीव एनकैशमेंट मिला वो, या फिर 3 लाख, या फिर जो उसकी मंथली सैलरी थी उसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 10 से कर देंगे, एवरेज मंथली सैलरी का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, या फिर उसकी टोटल छुट्टियां निकालेंगे। टोटल छुट्टियां कैसे निकालेंगे, जितने साल काम किया और उसमें जितनी छुट्टियां मिलती है वो, और उसमें से जितनी छुट्टी उसने अवेल कर ली वो क्या कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा बैलेंस स्लीप पीरियड, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे 30, तो आ जाएगा वो बैलेंस स्लीप पीरियड इन मंथ, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज मंथली सैलरी, जो भी कमाएगा वो अमाउंट क्या रहेगा एग्जम्प्ट। हाँ, अब एक बात याद रखना कि भाई साहब को क्या होता है, उसने 50 साल किया, उसने 30 साल काम किया, 30 साल 9 महीने काम किया तो कितना लोगे 30 साल, और हर महीने 40 छुट्टी मिलती थी, हर साल 40 छुट्टियां मिलती थी, तो भैया याद रखना बैलेंस जो टोटल लीव्स निकालोगे ना तो 30 × 30 करोगे बस, क्योंकि यहां लिखा है नंबर ऑफ लीव्स कैन नॉट एक्सीड 30, 30 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक नंबर में इतने लफड़े झमेले मैंने तो कभी एग्जाम में आते ढंग से नहीं देखे। एक क्वेश्चन आता है 1 रुपए का, वो 3 लाख, ठीक है, वो कितना रहेगा 3 लाख, ठीक है, ये एक बात बता रहा हूं, लेकिन ठीक है जिसको आए जिसने पढ़े से पढ़ रखा अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो इतना ही पढ़ के जाए काम हो जाएगा उसका। आई होप क्लियर। तो अपना क्या क्या हो गया दोस्तों, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, अलावेंस हो गया, अब आते पीएफ पे टफ नहीं, बहुत ईजी है, दिमाग से काम करेंगे फटाफट हो जाएगा, बहुत सबसे ज्यादा इजी पीएफ ही तो है। फोटो याद रखना और क्या करना है, देख भैया तीन टाइप के पीएफ है, तीन टाइप के पीएफ है, एसपीएफ है, आरपीएफ है, यूआरपीएफ है, एसपीएफ है, आरपीएफ है, यूआरपीएफ है। पीएफ में क्या होता है वो पूरी प्रोसेस मैंने समझाई थी, लेकिन अभी याद रखो पीएफ में एक तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है और एक एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इन दोनों का भिड़ू होता है, भिड़ू होकर पीएफ में जाता है, पीएफ में जाता है तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है ना, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ, मेरे पैसे से काट के क्या कर दिया, पीएफ में डाल दिया, एक एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से मिलाकर क्या कर दिया पीएफ में, तो 1000 रुपए यहां से कटे, 1000 रुपए मेरे जुड़े, दोनों के 2000 रुपए कहां चले गए पीएफ में। अब तीन टाइप के पीएफ है, एक है एसपीएफ, एक है आरपीएफ और एक है यूआरपीएफ। एसपीएफ का मतलब स्टेट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर एसपीएफ अप्लाई होता है, जब पैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जमा करते हैं गवर्नमेंट, तो कहा जाता है एसपीएफ में। अब होगा क्या, मान लो किसी इंसान की सैलरी 10,000 है, इंसान की सैलरी 10 है, उसमें से 1,000 पीएफ का उसका कट जाता है, तो उसके हाथ में कितने आते हैं, इन हैंड 9 आते हैं, और ये 1,000 प्लस 1,000 कौन मिलाता है एम्प्लॉयर, और वो कहां जाता है पीएफ अकाउंट में। तो सुनो ये 1,000 एक्स्ट्रा मिल गए ना, ये एक तो 10 में से कटे, ये कितने मिल गए, एक एक्स्ट्रा मिल गए, भले ही वो पीएफ, तो ये इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ये तो इनकम हो गई ना एक तरीके से एम्प्लॉय की, 1,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल गए, तो क्या ये टैक्सेबल है या नहीं। तो याद रखना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एसपीएफ में क्या होता है एग्जम्प्ट, वो सैलरी में नहीं जुड़ता। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो सैलरी में, और बात करते करते बंद हो गया, ध्यान ही नहीं दिया, चार्जिंग में लगा ही नहीं, 2 मिनट वेट करते हैं, चलो अब ये तक तो चलो जाएगा। चलो हो गया चार्ज। अब देखो तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एसपीएफ में क्या रहेगा एग्जम्प्ट रहेगा, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो मेरे को 10,000 रुपए मिले थे, 10 में से मेरा 1,000 क्या हो गया था कट गया था, ठीक है, और मुझे बचे कितने मेरे हाथ में 9, तो मुझे किस अमाउंट पर टैक्स देना है, मुझे 10 पे देना है कि 9 पे देना है, 10 पे देना है। तो जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है टैक्सेबल होता है। मेरी सैलरी कितनी मानी जाएगी, 9,000 × 12 नहीं किया जाएगा, कितना किया जाएगा 10,000 × 12। लेकिन याद रखना एटीसी में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की, एटीसी में क्या मिल जाती है पीएफ में हम जमा करते हैं डिडक्शन मिल जाती है, तो 1000 × 12 वहां से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इनकम तो कितनी मानी जाएगी पूरी 10,000, लेकिन बाद में क्या मिल जाएगी डिडक्शन। सर इफेक्ट क्या हुआ, वो नलीफाई हो गया एक तरीके से, बस उनका ये कि वो डिडक्शन दे देते हैं। अच्छा, जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा की पूरा क्या होता है एग्जम्प्ट होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वो पूरा की पूरा एग्जम्प्ट होता है। अब बात करते हैं यूआरपीएफ की, अब बात करते हैं
यूआरपीएफ की, तो देखो दोस्तों यूआरपीएफ में क्या होता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरा की पूरा क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पूरा की पूरा क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी टैक्सेबल तो होता है, क्योंकि क्योंकि टैक्सेबल तो होता ही है, वैसे भी यू भी होता है, एसपीएफ में भी होता है, लेकिन क्या बाद में डिडक्शन भी नहीं मिलेगी, एटीसी में डिडक्शन भी नहीं मिलती, इंटरेस्ट भी क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। तो फर्क क्या हो गया एसपीएफ और यूआरपीएफ में, कि है तो सब एग्जम्प्ट ही एग्जम्प्ट, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अभी टैक्सेबल है, बाद में डिडक्शन मिल जाएगी, एसपीएफ में उसमें डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट दोनों जगह क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। अगर आरपीएफ होता है एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, सर म्यूट ऑफ कर दो, म्यूट सबको म्यूट कर दे भैया, भैया म्यूट हो जाओ, अरे म्यूट कहां से होते रहे, अरे मैं ही म्यूट हो जाऊंगा यहां से तो, अरे सब अपना माइक बंद करो, पार्टिसिपेंट्स, अरे यहां से होता है यार, ये हटाओ। जय हिंद दोस्तों, अब गए, अब खासो छीको नाचो गाओ बजाओ जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं भैया, एंजॉय करो। इधर आओ, क्वेश्चन किस पे आएगा मालूम है, इस पे आएगा आरपीएफ पे, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ 12% और 9.5% है, वो क्वेश्चन कभी कभी तो यही आ जाता है कि भैया आरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना एग्जम्प्ट होता है, 12%, एम्प्लॉयर ने जितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो तो टैक्सेबल है वैसे, लेकिन 12% ऑफ सैलरी क्या कर देते हैं अपन, एग्जम्प्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल होता है, लेकिन बाद में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो एसपीएफ आरपीएफ दोनों में बाद में क्या मिलती है, फिलहाल तो 10 में से एक कटे ना अपने, 10 पूरे के पूरे टैक्सेबल है, लेकिन बाद में 1000 यहां माइनस कर देना एसपीएफ में, 1000 आरपीएफ में क्या कर देना, माइनस कर देना, लेकिन यूआरपीएफ में वो 1000 माइनस नहीं होंगे। और इधर जो मिला है, इधर जो मिला है एम्प्लॉयर का, वो पूरा एग्जम्प्ट है, लेकिन यहां पर कितना एग्जम्प्ट है, 12% ऑफ सैलरी तक क्या है, एग्जम्प्ट होता है। सैलरी का मतलब वही जो एचआरए में था, एचआरए में क्या था, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, और डियरनेस अलावेंस कौन सा, अनकंडीशनल डियरनेस अलावेंस, ठीक है। फिर इंटरेस्ट कितना एग्जम्प्ट होता है, 9.5% तक एग्जम्प्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया मान लो ऐसा कि किसी इंसान को इंटरेस्ट मिला है 1,00,000 10% से, कितना मिला है 10% से, तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 10 करना इंटू 9.5 करना, तो क्या आ जाएगा आपका एग्जम्पशन वाली अमाउंट, 9.5% क्या होगा, या तो फिर देखो 1,00,000 मिला है तो 1,00,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करो तो पता चलेगा किस अमाउंट पे मिला है, फिर उस अमाउंट का क्या करो 9.5% करो तो एग्जम्प्ट आ जाएगा, है ना। और ऐसा भी कर सकते हो, अगर सीधे टैक्सेबल निकालना हो, सीधे टैक्सेबल निकालना तो 0.5 टैक्सेबल है, तो क्या करना अपना 1,00,000 डिवाइड बाय 10% इंटू 0.5, नहीं ठीक है दिक्कत हो जाएगा, ऐसा मत करो, सिंपल ही कर लो। आप क्या करो, पहले 10,00,000 1,00,000 डिवाइड बाय 10% इंटू 100 कर दो, 10,00,000 क्या आ गई आपके पास, कैपिटल, जिसके ऊपर आपको क्या मिला होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, उसका 9.5 करके क्या कर दो, एग्जम्प्ट कर दो, 95, 5,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, दैट्स इट, दिया रहेगा ना, रहे कैसे बना से नहीं बोल, वो बोलेंगे कि पीएफ में इतना जमा हुआ है, लेकिन देखो क्या होता है, पीएफ का इंटरेस्ट देके रखते, उसका लॉजिक क्या है मालूम है, हर बार पीएफ में पैसा हर महीने जमा होता है, तो ऐसा थोड़ी कि फ्लैट ब्याज मिल जाता है, किसी पे 12 महीने का ब्याज मिलेगा, किसी पे 11 महीने का ब्याज मिलेगा, किसी पे 9 महीने का, तो भैया तुमसे एफएम थोड़ी पढ़वाएंगे कि पूरा शेड्यूल बनाएंगे उसका, है ना, एन्यूटी वेन्यूटी करवाएंगे, दे देंगे भैया इतना क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, नहीं होते। अब कुछ लोग क्या कराते, ये भी क्वेश्चन कराते पूरा एन्यूटी बनाओ ये करो वो करो, तो भैया एक नंबर में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो अच्छा, अब है ना ये एक बात और है, विड्रॉल्स में क्या होता है, देखो अभी तो पीएफ में पैसा गया है, पीएफ में पैसा गया है, पीएफ से पैसा निकालेंगे तब क्या होगा, तो एसपीएफ से तो पूरा की पूरा क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। देखो आरपीएफ में विड्रॉल के टाइम पे एग्जम्प्शन मिल सकता है, ठीक है,
आरपीएफ में विड्रॉल के टाइम पे क्या मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है, वो ये है कि भैया अगर 5 साल बाद निकालोगे ना, मेन तो यही है, क्या करोगे 5 साल बाद निकालोगे या डेथ की वजह से निकालोगे या फिर जिसने जिसके दुकान ही बंद कर दिया आपने, जिसके यहाँ काम किया उसकी, तो उसकी वजह से आपको पीवीएफ से भैया वो उसका धंधा ही बंद हो गया, तो अपन क्या करें, तो एग्जम्प्ट रहेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अब विड्रॉल के टाइम पे टैक्सेबल कैसे होता है, जैसे यूआरपीएफ है, यूआरपीएफ अब विड्रॉल के टाइम पे क्या होगा, आप विड्रॉ क्या क्या करोगे, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉ करोगे, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन विड्रॉ करोगे, ब्याज भी क्या करोगे विड्रॉ करोगे, ये तीन चीजें विड्रॉ करोगे। तो देखो यूआरपीएफ में क्या था, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो एसपीएफ से विड्रॉल तो पूरा की पूरा क्या है एग्जम्प्ट है, एसपीएफ से विड्रॉल पूरा की पूरा एग्जम्प्ट है। अभी अपन ने जाते टाइम देखा है, जाते टाइम क्या हुआ, क्या वो इनकम है या नहीं, अब अपन निकालते टाइम देख रहे हैं, तो एसपीएफ से तो निकालते टाइम पूरा एग्जम्प्ट है। यूआरपीएफ में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो वो टैक्सेबल है, मतलब पहले एग्जम्प्ट था तो अब क्या हो जाएगा टैक्सेबल, जाते टाइम एग्जम्प्ट था तो निकालते टाइम क्या हो गया टैक्सेबल। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, टैक्सेबल था, है ना, और डिडक्शन भी नहीं मिली थी यूआरपीएफ में, तो क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट वो एग्जम्प्ट था जाते टाइम, जाते टाइम एग्जम्प्ट था तो निकालते टाइम क्या हो जाएगा टैक्सेबल। अच्छा इंटरेस्ट दो चीजों पर मिलेगा, इंटरेस्ट खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन पे भी मिलेगा और एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है ना, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, जो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलता है वो सैलरी हेड में आता है और खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो अदर सोर्सेस में जाता है, है ना। तो जो खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो कहां जाएगा, अदर सोर्सेज में, और जो एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो सैलरी हेड के अंदर। तो यहां लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर सैलरी और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। अच्छा अब आरपीएफ से निकालेंगे तो क्या होगा, अगर 5 साल बाद निकाला, डेथ की वजह से निकाला, बिजनेस बंद होने की वजह से निकाला, तो वो एग्जम्प्ट है, नहीं तो एज इट इज जैसा यहां पर है यूआरपीएफ में ही है उस तरीके से ही क्या किया जाएगा टैक्सेशन। यूआरपीएफ में क्या था, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल था तो वहां पर भी क्या रहेगा टैक्सेबल रहेगा, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट था तो वहां पर भी क्या रहेगा एग्जम्प्ट रहेगा। सेम विड्रॉल इज एग्जम्प्ट इज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सैटिस्फाइड अदरवाइज टैक्सेबल सेम एज यूआरपीएफ, यूआरपीएफ की तरह क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो पीएफ में दिक्कत थी बच्चों, ध्यान से सुन लेना, मैं वापस बता देता हूं क्या है पीएफ में। पहले अपन देखेंगे जाते टाइम क्या होता है, अभी मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिल रहा है और मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन भी पीएफ में जा रहा है, तो जो मेरा एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है एसपीएफ है तो पूरा एग्जम्प्ट है, आरपीएफ है तो जो जा रहा है उसमें से 12% ऑफ सैलरी क्या कर दो माइनस कर दो, बचा हुआ क्या रहेगा एग्जाम, मतलब डिफरेंस जो रहेगा वो एग्जाम, बाकी सब क्या हो जाएगा टैक्स, नहीं गलत बोला मैंने, जितना मिला वो क्या है टैक्सेबल, उसमें से 12% माइनस कर दोगे बस बचा हुआ क्या हो जाएगा टैक्सेबल, है ना, बचा हुआ हो जाएगा टैक्सेबल। और उधर यूआरपीएफ में तो क्या कर दो एग्जम्प्ट कर दो जाते टाइम, जाते टाइम। फिर एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अभी तो टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, इधर डिडक्शन मिल जाएगी, उधर डिडक्शन आखिरी वाले में यूआरपीएफ में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट मिल रहा है तो वहां एग्जम्प्ट है, या 9 जितना भी मिला उसका 9.5% एग्जम्प्ट है और वहां पे तो पूरा एग्जम्प्ट है। अब किसी दिन पीएफ से क्या करूंगा पैसे निकाल लूंगा, तो मैंने जो जमा की वो सब चीजें निकाल लूंगा, तो एसपीएफ से तो पूरा की पूरा विड्रॉल क्या है एग्जम्प्ट है। यूआरपीएफ से निकालूंगा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो याद करना वहां टैक्सेबल था जाते टाइम एग्जम्प्ट था, तो आते टाइम क्या हो जाएगा टैक्सेबल, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट था सॉरी टैक्सेबल था तो अब क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देना है। और आरपीएफ में एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लेना कि 5 साल के बाद विड्रॉल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के पहले कर लोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। 5 साल के पहले भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो डेथ की वजह से होना चाहिए या बिजनेस बंद होने की वजह से होना चाहिए, या कभी कभी क्या होता है आप जॉब चेंज कर रहे हो, टीसीएस से रिलायंस में जा रहे हो, स्विच कर रहे हो, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो विड्रॉ कर सकते हो, पीएफ का पैसा यहां से निकल के उस अकाउंट में चला जाता है। हाँ ऐसा आप कर नहीं ला सकते उसको, ठीक है हो गया। तो भैया ये तीन रिटायरमेंट बेनिफिट ज्यादा मेजर थे, कौन कौन से, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट और प्रोविडेंट फंड, 4। कम से कम वो 3,20,00,000 है ना, 1/2, 1/3 ये तो याद करके जाना ही जाना। अब आता है बेटा पर्क्स, पर्क्स क्या होते हैं, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स,
पर्क्स आर नथिंग बट दी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। अब दोस्तों ये क्या होते हैं, अभी नॉन मॉनेटरी, किसी को घर दिया, अब किसी को 50 लाख का घर रहने के लिए दिया, तो उसकी सैलरी में कुछ ना कुछ ऐड तो होगा, कितना ऐड करना है वो यहां से पता चलेगा। पूरे घर को ऐड करते तो बहुत ही अच्छी बात थी, लेकिन उसकी बैंड बच जाती, लेकिन अपनी बैंड बजाई उनने, क्योंकि अपने को यहां पर याद रखना पड़ेगा। भैया हाउस फैसिलिटी नहीं मिलती है तो देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, हर जगह गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने को फायदे ही देते, एग्जाम्प्ट करते। यहां पर उन्होंने क्या बोला, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एक लाइसेंस फीस दे देंगे, वो दे देंगे कि हर महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉय से इतना क्या करते हैं, चार्ज करते हैं घर के, वो क्वेश्चन में दे देंगे, क्वेश्चन में क्या कर देंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे कि इतना लाइसेंस फीस है उस घर की, वो ऐड कर देना, वो क्या कर देना सैलरी में ऐड कर देना। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हाँ वो जो भी हो सकता है, पर एनम दी हो, पर मंथ दी हो, आप देख लेना है ना, वो देके रखेंगे, वो अमाउंट क्या कर देना ऐड कर देना, जो फीस गवर्नमेंट ने डिसाइड करी उनकी। अब नॉन गवर्नमेंट परेशान करेंगे अपने को, नॉन गवर्नमेंट में क्या है कि एम्प्लॉयर जो भी है उसने अपना खुद का ऑन घर दिया है ना, उसने अपना खुद का, रिलायंस ने अपने एम्प्लॉय को घर रहने के लिए दिए, तो रिलायंस घर का ऑनर है, घर ऑन है, तो अपन कितना ऐड करेंगे मालूम है, पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, पॉपुलेशन 25-30 से ज्यादा है तो अपन क्या कर देंगे 15% ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी होगा उसका कितना कर देंगे 15%, पॉपुलेशन 25 पेटी या उससे कम है और 10 पेटी से ज्यादा है, 10 लाख से ज्यादा है, तो 10% ऑफ सैलरी क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है, 10 लाख या उससे कम है तो कितना कर देंगे 7.5% ऑफ सैलरी, सैलरी में क्या वो निकालकर ऐड कर दिया जाएगा। सैलरी का मतलब क्या है बताने वालों, इतना हमें ऐड, ये एग्जम्प्ट नहीं है, बहुत देर से अपन सब पढ़ रहे थे कि ये अमाउंट क्या है एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, ये अमाउंट अब क्या है टैक्सेबल। अच्छा और वो मकान जिसने एम्प्लॉयर है वो खुद मालिक ही नहीं है, उसने खुद ने किराए पे लेके तुमको दिया है, तो वो जो जो किराया पे कर रहा होगा ना वो आपको एक बेनिफिट मिल गया, तो वो आपकी सैलरी में क्या कर दिया जाएगा ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन याद रखना 15% ऑफ सैलरी मैक्सिमम रहेगा यहाँ पर, विच एवर इज लेस करेंगे, मतलब जो भी वो किराया पे कर रहा है या फिर 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। अच्छा यहाँ पर 15% देखने के लिए डाउट आते भैया, यहाँ 15% देखने के लिए 15% ही देखना है, पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, इधर रेंटेड में पॉपुलेशन इधर ही देखते हैं। भैया सैलरी का मतलब क्या होता है जरा देखो, यहाँ पर उन्होंने तो मजे ले लिए, सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस CDA प्लस एनी अदर टैक्सेबल बेनिफिट है ना, जो भी टैक्सेबल बेनिफिट हो, बट डज नॉट, ये याद रख लो कि क्या नहीं आएगा है ना, आ तो सभी रहा है ना, बोनस भी आ रहा है, कमीशन भी आ रहा है। अच्छा लेकिन देखो DA कौन सा आ रहा है, CDA वाला, कंडीशनल वाला आ रहा है ना, DA और एनी अदर टैक्सेबल, बाकी जो चीजें जो भी टैक्सेबल होती है वो सब चीजें क्या कर दो जोड़ दो एक्सेप्ट, हाँ सब कुछ जोड़ दो, एनी अदर टैक्सेबल चीज, एनी टैक्सेबल चीज जोड़ दो, चाहे वो प्रॉफिट के ऊपर कमीशन मिल रहा हो, चाहे वो टर्नओवर पे कमीशन मिल रहा हो, चाहे वो पर मंथ कमीशन मिल रहा हो, सब चीज जो टैक्सेबल है वो जोड़ दो, बस ये मत जोड़ना क्या क्या, बट डज नॉट इंक्लूड पर्क्स, पर्क्स दूसरे पर्क्स कौन नहीं जोड़ेंगे, एग्जम्प्ट अलावेंस नहीं जोड़ेंगे, PF नहीं जोड़ेंगे, अमाउंट रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सच एज ग्रेच्युटी पेंशन लीव एनकैशमेंट, इनको नहीं जोड़ेंगे, इनको छोड़ मत छोड़ के बाकी जो चीजें टैक्सेबल है सबको क्या कर दो जोड़ दो। बट एग्जाम में वो बेसिक सैलरी और DA और CDA बोनस कमीशन दैट्स इट यही देंगे, तो इसमें आपको सब जोड़ देना है, DA सिर्फ CDA लेना है, उसका पॉपुलेशन देखना है और उसका 15% या उसका 10% या उसका 7.5% कर सैलरी में जोड़ देना है, तो आपकी क्या निकल कर आ जाएगी टोटल सैलरी, अगर उसकी जो भी सैलरी कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा वो, ठीक है। फिर इसमें कुछ देखो ये वाला याद रखना, होटल फैसिलिटी दी, घर नहीं दिया आपको, होटल दे दिया भैया, होटल में रुकवाते आपको, होते ना कुछ कुछ होटलों में कमरे बुक करके रखते कंपनी के नाम पे एक दो, तो उस केस में क्या है विल बी 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, तो अगर होटल में रुकवाया है तो फिर क्या होगा कितना बेनिफिट रहेगा 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर करके क्या करना पड़ेगा सैलरी में एड करना पड़ेगा।
हाँ लेकिन होटल फैसिलिटी 15 दिन तक देते हैं तो दोस्तों इट्स ओके ना, कोई गलत नहीं है। कोई कभी ट्रांसफर के लिए भेज दिया, कोई होता है कि कोई काम के लिए भेज दिया, तो 15 दिन तक के लिए कुछ ऐड नहीं करते। अच्छा आप देखो घर 8 महीने के लिए दिया है तो सैलरी पूरे साल की मत देना, 8 महीने की सैलरी का ही अपन क्या करेंगे 10%, 15% और 7.5%। चलो यहां तक जो पढ़ा उसका बोलो, अपन ने शुरू से क्या पढ़ा, पहले पढ़ा अलाउंसेस। अलाउंसेस में कौन कौन से, एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट अलाउंसेस, सॉरी हाउ आर यू, सीबीडीटी, हेल्पर, रिसर्च, यूनिफॉर्म, फिर सी से क्या था, कन्वेंस, ट्रेवलिंग, डेली अलाउंस और ट्रेवलिंग अलाउंस, ठीक है। फिर वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ, हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ, फिर था आपका उधर से अपना अंडरग्राउंड अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस 800, ट्राइबल एरिया 200, और फिर था आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3200 ब्लाइंड डेफ के केस में, फिर अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज जो एक्चुअल था और 70% 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर, हाउस रेंट अलाउंस 10 या 40% या 50% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी या फिर एचआर एक्चुअली रिसीव, उसका जो में से लोअर होगा वो करेंगे। पेंशन, पेंशन कम्यूटेड अनकम्यूटेड सबके लिए टैक्सेबल, कम्यूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉई एग्जम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर ग्रेचुटी मिलती है तो 1/2, ग्रेचुटी नहीं मिलती तो 1/3, नहीं उल्टा बोला, उल्टा हो गया है ना, उल्टा, ग्रेचुटी मिलती है तो 1/3 और ग्रेचुटी नहीं मिलती तो 1/2 ऑफ फुल पेंशन क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था ग्रेचुटी, ग्रेचुटी ग्रेचुटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलती तो टैक्सेबल, और रिटायरमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पे मिलती तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो देखो पोगा से कवर्ड है या पोगा से कवर्ड नहीं है, पोगा से कवर्ड है तो एक्चुअल रिसीव्ड या फिर 20 लाख या फिर 15 डेज लास्ट राउंड सैलरी इनटू 15 डेज इन राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस, है ना, 15 दिन की सैलरी निकालना है तो दोस्तों इनटू 15 डिवाइड बाय 26 करना पड़ेगा सैलरी का, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए, चाहे सीडीए हो चाहे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों पूरा डीए ही क्या करना है, इसके अलावा कुछ और ऐड नहीं करना है, तीनों से जो भी कम होगा एग्जाम। राउंडेड ईयर ऑफ सर्विस कैसे निकालते हैं, 20 साल 6 महीने 1 दिन होगा तो कहां लेके जाना, 21वें साल पे लेके जाना, 15 साल 6 महीने 1 दिन तो 16वें साल पे लेके जाना, 15 साल 6 महीने तो कितना करना, 15 साल ही कर देना, ठीक है। फिर अगर पोगा से कवर नहीं तो वही एक्चुअल रिसीव्ड या फिर 20 लाख या फिर 15 डेज एवरेज सैलरी या एवरेज 15 डेज की सैलरी निकालना है तो दोस्तों इनटू 15 डिवाइड बाय 30 करना, और सैलरी का मतलब जो एचआर में पड़ा है वो होता है बेसिक सैलरी प्लस सीडीए प्लस परसेंटेज फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर, और इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस करेंगे, जो फ्रैक्शन को तो इग्नोर ही करना है। फिर इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था क्या था, लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट मिलता तो पूरा की पूरा क्या होता है, टैक्सेबल, रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में क्या होगा, एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस के अंदर ये होगा या तो एक्चुअल रिसीव्ड या तो 3 लाख या तो 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी या फिर बैलेंस लीव पीरियड इंटू कंप्लीट बैलेंस लीव पीरियड इंटू एवरेज मंथली सैलरी, बैलेंस लीव पीरियड इंटू एवरेज मंथली सैलरी, बैलेंस लीव पीरियड कैसे निकालेंगे, जितने साल काम किया वो कंप्लीटेड ईयर लेना इंटू नंबर ऑफ लीव से क्या करना मल्टीप्लाई, 30 से ज्यादा होगा तो 30 से कम, मतलब 30 पे रेस्ट्रिक्ट कर देना, 30 से कम होगा तो उतना ही ले लेना, उसमें से जितनी लीव अवेलेबल है माइनस कर देना, जो भी आंसर है उसको 30 से डिवाइड कर देना या पुट कर देना, जो भी लेस आएगा वो क्या होगा, एग्जाम। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पीएफ, पीएफ 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 एसपीएफ आरपीएफ और यूआरपीएफ। एसपीएफ के केस में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल, बाद में डिडक्शन, इंटरेस्ट एग्जाम, विड्रॉल एग्जाम, और यूआरपीएफ के अंदर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल, डिडक्शन बाद में नहीं मिलेगी और इंटरेस्ट एग्जाम, और आरपीएफ के अंदर 12% ऑफ सैलरी तक एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल लेकिन बाद में डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट 9.5% तक एग्जाम। विड्रॉल के केस में क्या होता है, तो एसपीएफ में तो पूरा एग्जाम है, आरपीएफ यूआरपीएफ से विड्रॉ करोगे तो जो एग्जाम था वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। जैसे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, जैसे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, वहां पर एग्जाम था तो क्या हो जाएगा, विड्रॉल के टाइम पे टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टैक्सेबल था तो क्या हो जाएगा, एग्जाम, इंटरेस्ट एग्जाम था तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। और जो याद रखना, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो सैलरी में, और जो खुद के कॉन्ट्रीब्यूशन में मिलेगा तो वो अदर सोर्सेस में। आरपीएफ से विड्रॉ करते हैं तो जनरली क्या होता है, टैक्सेबल ही होता है, लेकिन 5 साल बाद विड्रॉ करोगे, डेथ की वजह से करोगे, बिजनेस बंद होने की वजह से करोगे या फिर जॉब चेंज करने की वजह से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सैलरी का मतलब होता है वही जो एचआरए में था। हाउस फैसिलिटी तो मैंने आपको अभी हाल ही बताया है, एक मिनट अपन ये पेंसिल चार्ज कर लेते हैं, हो जाएगा फिर। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, यहां पर क्या है, यूज ऑफ मूवेबल असेट, एम्प्लॉयर ने कुछ और असेट यूज करने के लिए दिए, एक सेकंड आप वेट करिए बस।
नेक्स्ट जो पर्क है वो है यूज ऑफ मूवेबल असेट। मूवेबल असेट यूज करने के लिए थी है ना, कोई भी जैसे कार को छोड़ के, है ना, कार को छोड़ के कोई भी असेट यूज करे, एसी यूज करने के लिए दे, भैया एसी ले ले, फर्नीचर ले ले ले, है ना, घर के कभी मूवेबल असेट मिल गई है तो वो भी एक बेनिफिट है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये करना कि जितनी भी कॉस्ट है उसका कितना कर देना, 10%। एसी की कॉस्ट का 10%, फर्नीचर की कॉस्ट का 10%, एम्प्लॉय की सैलरी में क्या क्या कर देना, ऐड कर देना। ये अब जैसे अभी हम 6 महीने के लिए दिया तो इंटू 6 डिवाइड बाय 12 भी करना, है ना। वो ध्यान रखना आप कि 6 महीने के लिए दिया तो फिर 6 महीने का ही बेनिफिट क्या करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे। मतलब सैलरी में क्या क्या चीज आ रही है, सैलरी जो कैश में मिलती है उसके अलावा जो ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं वो भी अपन क्या करते हैं, ऐड करते हैं। घर मिला यूज करने के लिए, रहने के लिए, तो फिर ये वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे। घर के अलावा कोई और चीज मिलेगी तो फिर क्या आएगा, अदर देन कार, कार के ऊपर ये पॉइंट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि कार के ऊपर अलग से एक पॉइंट है। अच्छा, कभी होगा ऐसा कि एम्प्लॉयर ने वो असेट रेंट पे लेकर दी है तो जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है आपको पे करना चाहिए क्योंकि आप यूज कर रहे हो, लेकिन एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो आपको बेनिफिट मिल गया, आपके सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हाँ, और हर जगह मैंने लिखा है अमाउंट रिकवर्ड, अमाउंट रिकवर्ड क्या करते हैं अपन, माइनस करते हैं। इसका मतलब यह है कि यार जैसे मान लो कि एम्प्लॉयर ने बोला किराया तो इस एसी का जो है वो 5,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन मैं तो 2,000 रुपये तुमसे क्या करूंगा, रिकवर करूंगा, तो मेरे को बेनिफिट कितने का मिला, 3,000 का ही मिला ना, तो मेरी सैलरी में कितना ऐड होगा, 3,000 ही ऐड होगा। तो जो अमाउंट रिकवर्ड है वो हमेशा याद रखना, क्वेश्चन में गिवन हो तो अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये देखो, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन यूज करने के लिए दिए तो इसे पर्क नहीं मानेंगे। अब भैया एग्जाम का क्वेश्चन दिखाऊं क्या था, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलोइंग परक्विजिट इज नॉट एग्जम्प्ट, जो एग्जम्प्ट नहीं है, टेलीफोन और लैपटॉप। तो ये तो ये लैपटॉप वाला पॉइंट तो यहां पर आ गया। लैपटॉप तो क्या होता है दोस्तों, एग्जम्प्ट होता है, लैपटॉप यूज करने के लिए दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। टेलीफोन फैसिलिटी, देखो फोन वगैरह, मोबाइल फोन वगैरह भी यूज करने के लिए तो उसे पर्क नहीं मानते, है ना, लैपटॉप कंप्यूटर टेलीफोन उनको नहीं मानते, है ना। ये क्रेडिट कार्ड वाला इसका आंसर रहेगा जहां तक है ना। अभी आ जाएगा आपको ये वाला पॉइंट, अभी आगे आने वाला है ना, ये वाला पॉइंट आगे आने वाला है, तो ये इसका आंसर रहेगा। मतलब क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप ये बात याद रखिए, लेकिन आप पढ़ के जाओगे तो ही हो पाएगा। काम चला गया रे, आजा। ठीक है, सेल ऑफ मूवेबल असेट, चलो इसको बाद में देखेंगे अभी। हाँ, अभी बाद में देखेंगे इसको, जो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेते ना। एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं दिख रहा, मैंने कहा अभी आते हुए तो नहीं देखे एग्जाम में, लेकिन ठीक है अब पढ़ लेते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी के लिए देखो, ये एजुकेशन अलावेंस नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी है, एजुकेशन अलावेंस नहीं, एजुकेशन फैसिलिटी है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के बच्चों को स्कूल में पढ़ा दिया, ठीक है, कॉलेज उनका एम्प्लॉयर का खुद का कॉलेज, तो उसमें पढ़ा दिया, तो आपको क्या फीस किसने भर दी, एम्प्लॉयर ने, ठीक है। तो क्या होगा, अगर खुद के कॉलेज, खुद दूसरों के कॉलेज में पढ़ाया है, दूसरे कॉलेज में पढ़ाया है, तो जितनी भी कॉस्ट लगी एम्प्लॉयर को, जितनी फीस एम्प्लॉयर ने भरी, वो एम्प्लॉय के लिए क्या है, बेनिफिट है, वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और खुद के कॉलेज में पढ़ाया तो देखना, खुद के कॉलेज में पढ़ाया ना, तो खुद के स्कूल के कॉलेज की कॉस्ट नहीं लेंगे, दूसरे स्कूल में पढ़ाते सेम, अगर सेम कैटेगरी का कॉलेज होता तो कितनी, क्योंकि खुद के अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, कॉस्ट जो है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो इनकम टैक्स वाले ने बोला कि यही कोर्स अगर किसी दूसरे कॉलेज में सेम कैटेगरी सेम लेवल के पढ़ाया जाता तो उसके अंदर कितनी फीस लगती वो ले लो, ठीक है। तो यहां पर भी कॉस्ट ऐड करनी है, यहां पर भी क्या ऐड करनी है, कॉस्ट ऐड करनी है, यहां पर भी कॉस्ट ऐड, यहां पर भी कॉस्ट ऐड। लेकिन याद रखो, ये वाले केस में 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड और नो लिमिट फॉर बच्चे, कितने भी अच्छे। अब देखो ये याद रखना पड़ता है, वहां दो अच्छे थे यहां कितने भी अच्छे, क्योंकि दोनों जिसने बनाया उसके माहौल अलग अलग होंगे, उसकी सोच अलग अलग होगी, तो जिसको अच्छे लगते होंगे बच्चे तो उसने ये बनाया होगा प्रोविजन। तो यहां पर कितने भी बच्चों का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, कितने भी बच्चों का मिलेगा भैया, याद रखना है ना, ठीक है। 1,000 पर मंथ यहां पर क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। अब देखो आपका मॉड्यूल क्या मानता है, अजम्पशन लेता है, वो ये है, इन केस ऑफ ऑन स्कूल और कॉलेजेस, खुद के स्कूल या कॉलेजेस में एजुकेशन फैसिलिटी 1,000 पर मंथ तक होती है, पर चाइल्ड तक होती है,
जैसे मान लो कि अपने स्कूल खुद के कॉलेज की और स्कूल की फीस है 700 रुपये पर मंथ पूरा एग्जाम्प्ट, पूरा एग्जाम्प्ट 800 रुपये पर मंथ पूरा एग्जाम्प्ट, 1000 रुपये पर मंथ पूरा एग्जाम्प्ट, 1100 रुपये पर मंथ 100 रुपये नहीं पूरा टैक्सेबल, आपका मॉडल ये करता है। तो 1000 तक होगा ये वाले पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में 1000 तक होगा तो पूरा एग्जाम, 1000 से ज्यादा होगा तो पूरा टैक्सेबल, ये आपका मॉड्यूल। मैं क्या करूं उसमें सबके, देखो इस अल्टरनेट व्यूज आर आल्सो पॉसिबल, आई एम फॉलोइंग योर मॉड्यूल्स व्यू। हाँ यार वही हम लोग तो कर रहे, वैसे पहली बात तो वही आता नहीं ऐसे केस लेके हमारे पास, 1000 चुन्नी उन्नी एकदम चन के लिए क्या फर्क पड़ता है, जिसके स्कूल कॉलेजेस की फैसिलिटी मिलती है वो एम्प्लॉय अच्छे लेवल के होते हैं, क्या हो जाएगा 12000 रुपए एकदम करवा के वो लोग, और कौन सा 10-10 बच्चे करके बैठे वो लोग हैं कि 12000 × 10 करेंगे तो 1/20 का बेनिफिट मिलेगा, नहीं ऐसे ठीक है, प्रैक्टिकलिटी कोई इतनी खास बात नहीं है यार। अच्छा एम्प्लॉय को खुद को एजुकेशन प्रोवाइड किया ना तो फर्क नहीं है, याद रखना एम्प्लॉय को खुद को एजुकेशन प्रोवाइड किया तो वो पर्क की डेफिनेशन में नहीं आता है। एम्प्लॉय के बच्चों को प्रोवाइड किया या भाई बहन को प्रोवाइड किया तो वो पर्क की डेफिनेशन में आएगा, भाई बहन को भी कवर्ड है यहां पर, नहीं वाइफ को भी कर सकते ठीक है, तो वाइफ को भी किया जा सकता है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब भाई भी मतलब ठीक है भाई यार, बहुत अच्छी यार। और क्या देखो गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सिंपल है भैया, कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉयर ने जितनी गैस का बिल भरा लाइट का बिल भरा वो सब अमाउंट सैलरी में क्या कर देंगे ऐड, कोई एग्जाम नहीं है, जब पॉइंट में कुछ एग्जामिशन ही नहीं है तो एग्जाम में पूछते भी नहीं है, क्योंकि जहां उनको मालूम है कि बच्चा क्या कैलकुलेट करेगा, यहां पर एम्प्लॉयर ने क्या रख दिया, सर्वेंट रख दिया, कुक रख दिया, गार्डनर रख दिया, वॉचमैन रख दिया, उनकी सैलरी किसने पे कर दी, एम्प्लॉयर ने, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर देंगे ऐड, एक तरीके से नॉन मॉनेटरी क्या मिल गया आपको बेनिफिट। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है दोस्तों, एम्प्लॉयर ने बोला एम्प्लॉय वो अपनी वो क्या नाम है सेक्रेटरी को क्या कर दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया, सेक्रेटरी एंजॉय कर, जो खर्चा करना कर, बिल कौन भरेगा, बॉस भरेगा, तो भैया सेक्रेटरी ने मजे ले लिए, सेक्रेटरी ने क्या करा 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का बिल बना दिया, ठीक है बॉस ने बोला 2 लाख रुपए जब मैं भर देता हूं तो क्या हो जाएगा, सेक्रेटरी की सैलरी में 2 लाख रुपए क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। सेक्रेटरी ने बोला कि साहब 10000 तो मैंने क्या करा था अपने एम्प्लॉयज के लिए ही समोसे कचौरी वगैरह मंगा लिया था चकना वकना, तो वो माइनस कर देंगे वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 2 लाख में से क्या कर देंगे, 2 लाख में से वो ऑफिस वाला खर्चा क्या कर देंगे माइनस, खुद ने जो मजे लिए वो क्या करेंगे उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। दिस इज टैक्सेबल, ये पॉइंट आया था देखो एग्जाम में क्या था, पर्सनल एक्सपेंडिचर थ्रू क्रेडिट कार्ड रीइंबर्स टू द एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर सेक्रेटरी वाला, तो ये टैक्सेबल होता है। देखो क्या लिखा था, विच ऑफ द फॉलोइंग बकेट इज नॉट एग्जम्प्ट, देखो ये इंग्लिश में कंफ्यूज कर रहे है ना, नॉट एग्जाम, तो भैया मैं तो ये पढ़ के इस पर टिक कर देता क्योंकि नहीं कहीं ना बहुत ना वो ए और बी तो है ही नहीं, तो यही आंसर होता, आगे पढ़ो ही मत ना, आप मुझे बताओ ना जब यही टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है तो आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अरे ये क्वेश्चन बहुत इजी आए थे इस बार एग्जाम में लिटरली, हाँ अब वो अलग बात है यार। अच्छा गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट है, गिफ्ट के केस में क्या होता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दिया है ना, बॉस ने सेक्रेटरी को क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, कैश दे दिया, कैश ले सेक्रेटरी एंजॉय कर 50 लाख रुपए कैश ले, तो होगा क्या 50 लाख उसकी सैलरी में क्या कर दिए जाएंगे एड। और नॉन मॉनेटरी गिफ्ट दिया, जैसे सेक्रेटरी पर्स खरीद, पर्स ले ले जा, ले घड़ी ले ले, तो दोस्तों होगा क्या 5000 तक का पर्स हो, 5000 तक की घड़ी हो तो पूरा एग्जाम, 5000 से ज्यादा होगा तो पूरा टैक्सेबल, यहां पर याद रखना। आप बोलोगे सर गिफ्ट तो आपने पढ़ाया है अदर सोर्सेस में जो 50000 तक क्या होता है एग्जाम्ड होता है, लेकिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जब गिफ्ट होता है उसके लिए लिमिट ये है 5000 की। और सुनना नौ, अब ये जो मॉनेटरी उसमें 5000 मत कर देना माइनस, मॉनेटरी पूरा टैक्सेबल, 5000 रुपए कैश दिए पूरा टैक्सेबल, 4000 कैश दिया पूरा टैक्सेबल, लेकिन नॉन मॉनेटरी दिया तो 5000 तक एग्जाम, 5000 के ऊपर टैक्सेबल। ओके हाँ, अब दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी, बॉस ने बोला एक काम करो बीमार पड़े ना तुम्हारे घर के तुम्हारे फैमिली मेंबर सबका इलाज कौन कराएगा, बॉस कराएगा, तो बॉस कराएगा तो उस केस में क्या होगा, आपको बेनिफिट मिल गया तो वो बेनिफिट जो है आपकी सैलरी में क्या किया जाएगा ऐड किया जाएगा, ठीक है किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो यहां से समझ में आएगा।
मेडिकल फैसिलिटी, देखो मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है भारत देश में, मेडिकल फैसिलिटी मिल सकती है भारत भारत देश के बाहर। अगर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है भारत देश में तो एम्प्लॉयर ने खुद के हॉस्पिटल में दी है, खुद के हॉस्पिटल में दी है, खुद के हॉस्पिटल में दी तो कुछ भी ऐड मत करना, एग्जम्प्ट है। एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दी तो भैया तुम टैक्स देने के लिए बचोगे कि नहीं बचोगे, ये श्योरिटी नहीं है, ठीक है, एग्जम्प्ट है। तीसरा क्या है, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, अप्रूव्ड हॉस्पिटल में मतलब जो इनकम टैक्स ने अप्रूव कर रखे उसमें भी क्या है, एग्जम्प्ट है। प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा दिया आपने इलाज, नर्सिंग होम वगैरह में करा दिया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा, जितना भी वहां बिल भरा पूरा की पूरा टैक्सेबल। नर्सिंग होम में नर्स को 1 लाख रुपए दिए तो इन दैट केस 1 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल आपकी सैलरी में ऐड किए जाएंगे। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर दी, एग्जम्प्ट है। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय की MIP भर दी, क्या होगा, एग्जम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस भर दी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर दी तो क्या होगी, टैक्सेबल है। हाँ, लेकिन एम्प्लॉयर ने क्या किया, एक ग्रुप इंश्योरेंस लिया है, क्या लिया है, ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस लिया है, एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है, उसमें वो क्या कर रहा है, प्रीमियम भर रहा है, तो फिर क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। और मेडिकल अलाउंस, हाँ देखो यार आपको मैंने मेडिकल ये अलाउंस है फर्क पड़ा, लेकिन यहां लिखा हुआ क्या है, अलाउंस। मेडिकल अलाउंस ना मैंने आपको फुल्ली एग्जाम में बताया ना पार्टली एग्जाम में बताया, इसका मतलब पूरा के पूरा क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा, है ना, याद रख लेना कौन से अलाउंस के रेस्पेक्ट में, फुल्ली एग्जाम वो है, पार्टली एग्जाम में, बचे हुए पूरे के पूरे क्या होगा, टैक्सेबल। अच्छा, एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट अपन आउटसाइड करवा रहे भैया, आउटसाइड करवा रहे हैं तो जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो किसने बियर करा, एम्प्लॉयर ने बियर करा, पूरा की पूरा एग्जम्प्ट है। स्टे का खर्चा एग्जम्प्ट है ना, आप बाहर जाओगे तो रहोगे तो होटल का खर्चा भी तो देगा वो, ठीक है, और आपके साथ कोई गया होगा आपको बाहर लेके कुर्सी में बिठा के तो उसका भी खर्चा क्या है, एग्जम्प्ट है। तो ऑपरेशन का खर्चा जिसका किया वो एग्जम्प्ट है ना, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय को बोला कि जा ऑपरेशन करा ले, बाहर जा चले जा एंजॉय कर, तो होगा क्या मतलब, तो वो जो खर्चा बियर किया वो क्या है, एग्जम्प्ट है, ठीक है। जो उसके रहने का, किसके, एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के और उसके साथ जो गया उसके रहने का, दोनों का क्या है, एग्जम्प्ट है। कितने भी दिन रहे एंजॉय करो, कोई इशू नहीं है। हाँ ऐसे में आपके काम भी ऐसे कर्म भी होना चाहिए, आपने इतना कंपनी को फायदा करके दिया हो तो इन तुम बोले कितने भी दिन रह ले, तो एम्प्लॉयर बोलेगा भैया 2 दिन में रखना, 2 दिन के बाद तू तेरा बियर करना। और ट्रैवल का खर्चा, बोले साहब हमने भेज तो दिया लेकिन हम जाएंगे कैसे, टिकट बहुत महंगे होते हैं लंदन वंडन जाने के, जाने का 80,000 आने का 80,000 और दो लोग जाएंगे साथ में तो 1,60,000 तो आपका 3,20,000 तो किसका हो जाए, तो एम्प्लॉयर बोलता है टेंशन नहीं वो भी मैं दे दूंगा चल जा, वो भी एग्जम्प्ट है। लेकिन वो तभी एग्जम्प्ट है जब एम्प्लॉय की GTI कितने तक है। अब भैया ये वाला पॉइंट याद रख लेना क्योंकि इस पे बनता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी नहीं GTI कितने तक होती है तब जाकर ट्रैवल एक्सपेंस जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, एग्जम्प्ट होते हैं, वो है 2 लाख। अगर 2 लाख से ज्यादा का GTI है तो ट्रैवल एक्सपेंस जो है वो एग्जम्प्ट नहीं होंगे, ट्रैवल एक्सपेंस जो होंगे वो टैक्सेबल होंगे। हाँ, और ट्रीटमेंट और स्टे याद रखना RBI लिमिट तक क्या होते हैं, एग्जम्प्ट। और ऐसा नहीं कि पूरे बारात लेके चले गए, है ना, एक अटेंडेंट के ही क्या होते हैं स्टे एक्सपेंस, बोले साहब हमारी मम्मी को भी जा रहा है, इसको भी जाना है, इसको भी जाना है, बोले बाहर जा रहे, पूरे फैमिली को लेके चले गए, बोले एम्प्लॉयर खर्चा कर रहा है, वन अटेंडेंट। अब दोस्तों क्या है, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है दोस्तों, बिग बेनिफिट है। ये क्या है, 5 लाख का लोन दिया, मार्केट रेट कितना है, 12%, एम्प्लॉयर ने बोला जा 5% दे दे, कितना दे दे, 5% दे देना, मार्केट में रेट कितना मिल रहा है, 12%, और एम्प्लॉयर कितना ले रहा है, 5%, एम्प्लॉय कितना सस्ता मिल गया, तो 5 लाख का कितना, 7% एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ देंगे, क्योंकि एक तरीके से एम्प्लॉय को क्या मिल गया है, 7% का बेनिफिट। इनकम टैक्स वाले इस अमाउंट पे क्या लेंगे, उससे टैक्स लेंगे। हाँ, लेकिन लोन की अमाउंट 20,000 तक है तो ये पॉइंट अप्लाई मत करना, है ना, 20,000 तक के लोन है तो नो बेनिफिट, कुछ भी मत करना। 15,000 का लोन देते क्या होता है 15,000 के लोन में, हाँ 25,000 का लोन दिया तो जो कंसेशनल रेट है वही मार्केट रेट से लिया तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। अब बोलोगे सर मार्केट रेट कौन सा होता है, तो मार्केट रेट लेना 1 अप्रैल का, साल के 1 दिन का लेना 1 अप्रैल का, वो भी SBI का,
है ना। अब वो एसबीआई के भी अलग अलग लोन होते हैं, एजुकेशन लोन ना, हाउसिंग लोन ना, ये लोन ना, वो लोन, तो हर एक लोन का जो उनका एक अप्लीकेशन रेट होगा वो वाला रेट क्या करना है आपको यूज करना है, उससे कंपेयर करना। वो बोलते हैं वो 13% था तो 13% आपने लिए 8%, तो 13 माइनस कितना करना 8, ये डिफरेंस अमाउंट एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अगर अगर लोन लिया गया है इलाज के लिए, है ना, किसके लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, तो एक कितना भी लोन ले लो सैलरी के अंदर ऐड कुछ मत करना। अगर मेडिकल फैसिलिटी के अलावा किसी चीज के लिए क्या लिया गया है, लोन लिया गया है, तो फिर उसके लिए 20,000 तक की लिमिट है। 20,000 किसका, अमाउंट ऑफ लोन का, ठीक है, ओके। अब है ना, नहीं अभी है, दो तीन पॉइंट हो रहा है, खत्म हो जाएगा फिर। तो देखो अभी हाउस वाला तो अपने देख लिया, हाउस वाला एक इंपॉर्टेंट है वो पढ़कर जाना, फिर इधर से क्या पढ़ के चले जाना, मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है। फिर मुझे पर्क्स कम आते हुए दिखते हैं क्योंकि उनका फोकस अलाउंसेस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे ज्यादा होता है। फिर फूड फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी भी दोस्तों क्या होती है, कुछ ये एग्जाम में ये वाला पॉइंट आ सकता है ना, ये 50 per meal जो दे रखा है ना, ये आ सकता है। फूड फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने खाने को दिया है ना, खाने को दिया, तो खाने को सिंपल चकना वकना दिया, रिफ्रेशमेंट, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ये सब दिया, पिज्जा दिया, तो ये एग्जम्प्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं वो भेज दिया भीड़ में भेज दिया एकदम जंगल में, और वहां पे खाना खिला रहा है, तो वो पूरा की पूरा क्या है, एग्जम्प्ट है। बाकी फैक्ट्री की प्रीमाइसेस पे, ऑफिस प्रीमाइसेस पे सुबह शाम का लंच वंच मिल रहा है, डिनर विनर मिल रहा है, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वो टैक्सेबल होगा 50 per meal, मतलब उस टैक्सेबल तो होगा लेकिन उसमें से 50 per meal क्या होगा, एग्जम्प्ट। 50 per meal क्या होगा, एग्जम्प्ट, मतलब 70 rupees की थाली है तो 70 में से कितना माइनस कर दो 50, तो 20 पर थाली क्या होगा, टैक्सेबल, ठीक है ऐसा। और थाली कितने की है, 100 rupees की है, तो 100 में से कितना माइनस कर देंगे 50, तो 50 यानी इतना बचा 50, तो 50 अब महीने में कितनी थाली मिली, 25 इंटू कितना कर देंगे 20, 50 × 25, अब ये तो एक महीने का हो गया, साल भर का 12, ये तो सुबह का हुआ, शाम का भी मिला तो × 2, है ना, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल आ जाएगा। बस बस ये तो कराएंगे नहीं कैलकुलेशन, आंसर रहेगा 50 per meal एग्जम्प्ट होता है। क्लब फैसिलिटी, अब ये ठीक है ये छोड़ो, क्या कुछ नहीं पूछते। क्लब फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने क्लब ज्वाइन करवा दिया, क्लब के पैसे किसने भर दिए, एम्प्लॉयर ने, टैक्सेबल आपकी सैलरी में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। ईसॉप, हाँ ईसॉप आप जरा करके जाइए, आपके क्या वो ईसॉप क्या होता है भैया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। तो होगा क्या कि एम्प्लॉय को सस्ते भाव पे क्या मिल जाते हैं, शेयर्स, है ना, तो बेनिफिट हो गया एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय को कितने शेयर मिले, 1000 शेयर मिले, मार्केट वैल्यू शेयर की थी कितनी, से 70 rupees, और उनको बोला कि भैया कितने में एक्सरसाइज कर लो, 20 में, तो माइनस कितना कर दो 20, मतलब उनको देने पड़े, कितने का बेनिफिट मिल गया 50, तो 1000 × 50, तो 50,000 उनकी सैलरी में क्या कर देंगे, एड। ये किसने कहा, ईसॉप ने, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये मार्केट वैल्यू किस दिन की लेनी है, ये मार्केट वैल्यू जिस दिन अलॉटमेंट होगा ना उस डेट के लेनी है, किस दिन की अलॉटमेंट, वो कंफ्यूज करेंगे, मार्केट दिन जिस दिन ऑप्शन दिया उस दिन की ये थी, जिस दिन एक्साइज किया उस दिन ये थी, जिस दिन शेयर अलॉट हुए उस दिन ये थी, सॉरी ऑन द डेट ऑफ एक्साइज ऑफ द ऑप्शन लेना है, अलॉटमेंट की नहीं, ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन, अपन अलॉटमेंट की भी देके रखेंगे और ग्रांट डेट की भी दे रखेंगे, इस दिन ऑप्शन दिया और अपन ने दिन एक्सरसाइज किया, तो मार्केट वैल्यू किस दिन की लेनी है, एक्सरसाइज, ठीक है ये था। और दोस्तों एक आखिरी आपका बचता है मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी ठीक ठाक है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन पूछते बहुत कम है, फोकस थोड़ा सा एग्जाम में क्या रहता है इसका, कम परसेंट जो होता है दोस्तों थोड़ा सा कम आता है एग्जाम में। मोटर कार फैसिलिटी, एम्प्लॉयर ने कार दी यूज करने के लिए, कार दी यूज करने के लिए तो भैया पर्क नहीं है, ऑफिस यूज के लिए दी, तो पहले देखो कार किसके लिए दी, ऑफिस के लिए दी, कोई पर्क नहीं, पर्सनल पर्पज के लिए दी है, तो क्या करना मालूम है, जितनी भी कार की कॉस्ट है वो क्या कर देना, उसका 10% एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देना, और कार तो दी है साथ में बोला है पेट्रोल वेट्रोल ड्राइवर ड्राइवर सब ले ले,
तो रनिंग वनिंग सब वो सारे के सारे खर्चे दोनों सबको प्लस करना और एम्प्लॉय की सैलरी में क्या कर देना, ऐड कर देना। कार 10 लाख की थी तो 10 लाख का कितना करना, 10%, 1 लाख। ड्राइवर की सैलरी दी है ना तो ड्राइवर की सैलरी जोड़ दो और रिपेयर मेंटेनेंस करवाया, पेट्रोल वेट्रोल डलवाया, सारा के सारा जोड़ के एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ दो अगर क्या है पर्सनल पर्पस है तो। ऑफिस पर्पस है तो कुछ मत करो, पर्सनल में तो ये क्या कर दो, एड ऑन कर दो। पार्ट ऑफिस और पार्ट पर्सनल, पार्ट ऑफिस और पार्ट पर्सनल है तो दोस्तों होगा क्या, अब यहां पे लफड़े झमेले आएंगे, है ना। आधी कार का यूज किसके लिए किया, ऑफिस के लिए। आधी कार का यूज किसने लिए किया, पर्पस ने। ये बहुत डिफिकल्ट है। अब क्या है, अब या तो फिर हिसाब रखो कि भैया पर्सनल कितना हुआ था, कितना पेट्रोल पर्सनल, कितना ऑफिस के लिए, कितना बीबी मॉल लेके गई थी या लेके गई थी वाले की। तो याद रखना बीबी गरीब उठा के लेके चल जाए किसको क्या मालूम, वो हिसाब रखना भी बहुत ज्यादा क्या होता है मुश्किल। तो उनने क्या बोला, एक काम करते हम अमाउंट बोल देते हैं, ऐसा हुआ कि कार आधी पार्ट ऑफिस में यूज होती, आधी पर्सनल यूज होती, तो हम जो अमाउंट बोल देते हैं वो अमाउंट तुम सैलरी में जोड़ दो, जोड़ दो, वो जोड़ दो, ठीक है। अब कितना जोड़ना है वो देखो क्या करेंगे, पहले देखो कि पार्ट ऑफिस पार्ट पर्सनल है तो कार किसकी है, कार एम्प्लॉयर की है, कार एम्प्लॉयर की है तो हाँ अच्छी बात है, कार एम्प्लॉयर की है और कार के रनिंग मेंटेनेंस के खर्चे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये वाला केस आ जाएगा। कार भी किसकी है, एम्प्लॉयर की, और रनिंग एंड मेंटेनेंस भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय की सैलरी में कितना जोड़ देंगे मालूम है, एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ देंगे या तो 2400 पर मंथ या फिर 1800 पर मंथ। कितना जोड़ देंगे, या तो 2400 पर मंथ, ये जोड़ दो कुछ मत करो, 2400 इंटू कितना कर दो 12, या फिर 1800 इंटू कितना कर दो 12। 2400 कब करोगे, 1600 सीसी से ज्यादा की कार हो तो क्या कर देना, 1.6 लीटर से ज्यादा का इंजन है तो कितना कर देना 2400 इंटू 12, और उससे कम होगा तो कितना कर देना 1800 इंटू 12। साथ में ड्राइवर भी दिया है ना तो ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी से कोई मतलब नहीं है, हम कितना ऐड कर देंगे, ड्राइवर के 900 पर मंथ अलग से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जो ड्राइवर ऑफिस के लिए यूज हुआ होगा उसका तो अपन ऐड ही करेंगे, जो पर्सन हो उसका ऐड करेंगे। तो हिसाब मत रखो सिर्फ 900 पर इंटू 12। तो आप ध्यान रखना कि पार्ट ऑफिस पार्ट पर्सनल है और कार किसकी है, एम्प्लॉयर की, और रनिंग मेंटेनेंस भी कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तो या तो 2400 इंटू 12 कर देना या और साथ में ड्राइवर भी हो तो 900 इंटू 12 कर देना, ड्राइवर नहीं हो तो ये हटा देना। अगर 1600 सीसी है उससे कम, 1600 सीसी से कम हो तो 1800 इंटू कितना कर देना 12। अब सुनो, एम्प्लॉयर ने बोला कार तो मेरी है मैं दे दूंगा तेरे को लेकिन रनिंग मेंटेनेंस तू ही कर, रनिंग मेंटेनेंस तू ही कर। तो इस केस में क्या होगा, बेनिफिट कुछ कम मिला तो कुछ ना कुछ कम ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 900 इंटू 12 या फिर कितना करेंगे 600 इंटू 12, 900 इंटू 12 या फिर 600 इंटू 12। और ड्राइवर तो भैया यहाँ पे भी सेम है, ड्राइवर के कितने ऐड करने हैं 900 इंटू 12, कुछ नहीं देखना है कि ऑफिस कितना है कितना पर्सनल। अच्छा कार, अब यहाँ देख रहा, अब पार्ट ऑफिस पार्ट पर्सनल, कार एम्प्लॉय की है, कार किसकी है, एम्प्लॉय की, और रनिंग मेंटेनेंस भी कोर कर रहा है, खुद ही कर रहा है, तो बेवकूफ बन रहा है, क्या बेनिफिट मिला उसको, तो कोई फर्क नहीं होता। अब कार किसकी है, एम्प्लॉय की, लेकिन रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। तो इस केस में क्या बोला मालूम है, जितना भी खर्चा हुआ है, जितना भी क्या हुआ है, खर्चा हुआ है रनिंग मेंटेनेंस पे, उसमें से 2400 माइनस कर दो या 2400 पर मंथ माइनस कर दो या फिर 1800 पर मंथ माइनस कर दो, ठीक है। जो भी खर्चा हुआ है दे के रखेंगे आपको, वो उसमें से कितना माइनस कर दो 2400 पर मंथ या फिर 1800 पर मंथ। और इस कॉस्ट में ड्राइवर की सैलरी भी जुड़ी हुई है ना, तो ड्राइवर की सैलरी का अलग से कितना माइनस कर दो 900 पर मंथ, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी ना वो सैलरी में क्या कर देना, ऐड। रिमेनिंग अमाउंट क्या करेंगे, ऐड। कार किसकी, एम्प्लॉय की, और बोला रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने 1 लाख रुपए खर्चा किया, इस 1 लाख में ड्राइवर के भी कॉस्ट इंक्लूडेड है, या वो ऐसा बोलेंगे 80,000 पेट्रोल वगैरह पे किया, रनिंग मेंटेनेंस पे 20,000 ड्राइवर है, तो 80 प्लस क्या कर दिया आपने 20, कितना आ गया 1 लाख। 1 लाख में से कितना माइनस कर दिया 2400 इंटू 12 या फिर 1800 इंटू 12, और साथ में 900 क्या कर दिया और माइनस कर दिया ड्राइवर का था, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो सैलरी में जोड़ देंगे, सैलरी हेड। ऑलमोस्ट यू हैव सीन ऑल द मेजर थिंग। हाँ, अब एक बात और याद रखना भैया, वो भी है कि जो इससे टोटल सैलरी निकल जाएगी, टोटल सैलरी में से निकालने के बाद क्या करते हैं अपन, ये ग्रॉस टोटल सैलरी में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, कितना माइनस करेंगे 50,000 माइनस करेंगे ही करेंगे। तो आपसे वो पूछेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड कितना होता है, तो जो भी आएगा उसमें से 50,000 क्या कर देना माइनस। एक बात याद रखना, 50,000 माइनस होता है, एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो वो भी क्या करते हैं माइनस करते हैं, वो भी क्या करते हैं माइनस करते हैं। दैट्स इट,
सैलरी हेड। हाँ,